हेलो एवरीवन कैसी है वही क्लास कैसी है हमारी क्लास वन शॉट का वेट हो रहा था मैक्रो इकोनॉमिक्स के वन शॉट का वेट हो रहा था तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे वन शॉट्स मैं तुमको प्रोवाइड करने वाला हूं तुम्हारे प्यारे ईशान पराशर सर तुमको सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के वन शॉट वीडियोज प्रोवाइड करने वाले हैं आज किस चैप्टर से शुरुआत करने वाले हैं आज तुमको मनी एंड बैंकिंग चैप्टर का पूरा वन शॉट सोल्यूशन मतलब सब कुछ दे दूंगा जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है जितना भी क्वेश्चन हो सकता है सर पीवाई क्यू में कैसा क्वेश्चन आया है पी वाई क्यूज भी दिखा दूंगा सर एक ना पीवाई क्यू में उस टाइप का क्वेश्चन आता है सर जिसमें ना पैराग्राफ बेस्ड होता है या कॉम्पिटेंसी बेस्ड होता है मुझको उससे डर लगता है मैंने प्रिपरेशन तो कर ली है बट उस क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन से डर लगता है तो वो भी आज खत्म हो जाएंगे वो टाइप के क्वेश्चन भी कर लेंगे किसी ने बिल्कुल जीरो अभी तक मनी एंड बैंकिंग उठाया भी नहीं है तो वो भी जेनिथ तक पहुंच जाएगा उसको भी टॉप तक ले जाएंगे बिल्कुल जीरो से लेके टॉप लेवल तक का मनी एंड बैंकिंग आज खत्म करना है हमें इस सेशन के अंदर तो प्लीज ध्यान से बैठना मनी एंड बैंकिंग पूरा खत्म करना है हमें ठीक है अपना थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं दिस इज माय फर्स्ट वन शॉट सोल्यूशन विद यू गाइज तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मेरा नाम ईशान पराशर है एंड uh, मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के वन शॉट प्रोवाइड करने वाला हूँ एज यू नो एंड बस यही है मेरे बारे में एंड इसके अलावा मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो मैंने बी कॉम ऑनर्स करा है फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड सिंस देन मैं सी यू ई टी इलेवेंथ ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स ही पढ़ाता आ रहा हूँ ठीक है गाइज अब बस यही मेरी थी कि मैं तुम्हारे को ना कोई अगर पहली बार भी मनी एंड बैंकिंग नाम सुन रहा हो ना तो ये एक डेढ़ दो घंटे जितने की भी वीडियो हो उसको सब मनी एंड बैंकिंग आ जाए कोई ऐसा बच्चा हो कि भाई मनी एंड बैंकिंग सर मैंने पढ़ा हुआ है बट जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता हूँ या क्वेश्चन करता हूँ हाफ ईयरली में जब क्वेश्चन करे तो नहीं हो रहे थे ठीक है सर कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे वो भी जब ये वीडियो देख लेगा तो वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से भी नहीं डरने वाला तो भाई अब आगे चलते हैं सर आज की क्लास में हम करने क्या वाले हैं तो हम देखने वाले हैं कितने टाइप के बैंक और बैंक अकाउंट्स होते हैं ठीक है सर कितने टाइप के बैंक्स हैं हमारे देश में ठीक है एंड कितने टाइप के बैंक अकाउंट होते हैं मनी एंड बैंकिंग में ना जर्नली ये दो पार्ट्स में होता है ये दो पार्ट्स में पढ़ाया जाता है मनी अलग मनी के फंक्शंस टाइप्स ऑफ मनी इसके फंक्शंस क्या होते हैं उसके अलावा बैंकिंग अलग से पढ़ाया जाता है कि कितने प्रकार के बैंक्स होते हैं सर कितने टाइप्स ऑफ बैंक्स होते हैं उन कितने टाइप्स ऑफ बैंक हमें पढ़ने हैं फंक्शंस ऑफ बैंक्स क्या होते हैं ये सब हम आज के सेशन में खत्म कर लेंगे पूरा मनी पूरा बैंकिंग सब खत्म कर लेंगे ठीक है गाइस तो बस 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 स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ बैंक्स बैंक्स एंड अकाउंट देखना है कि कितने प्रकार के बैंक्स हैं हमारे देश में और कितने उधर खाते खुलते हैं बैंक्स अकाउंट के खाते मतलब अकाउंट को हम खाता बोलते हैं ना हिंदी में तो कितने टाइप के खाते होते हैं बैंक में एंड कितने टाइप के बैंक हैं हमारे देश में फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक क्या होता है कमर्शियल बैंक मुझे नहीं पता तो बता दूंगा अभी बता दूंगा साथ साथ चलो मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक ये भी एक कमर्शियल बैंक का ही फंक्शन होता है तो यहां कमर्शियल बैंक को पूरा खत्म कर लेंगे हम कमर्शियल बैंक को पूरा खत्म कर लेंगे इन दो पॉइंटर्स के अंदर उसके अलावा मनी मनी सप्लाई फंक्शंस ऑफ मनी इसके अंदर हम पूरा मनी वाला पोर्शन खत्म कर लेंगे ठीक है सर फंक्शनस ऑफ सेंट्रल बैंक मेजर्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई इसके अंदर हम सेंट्रल बैंक वाले फीचर को सेंट्रल बैंक की जितनी भी फंक्शनस टाइप्स जो भी चीज़ें हो सकती हैं सब यहां पर ख़त्म कर लेंगे तो ये तुम्हारे पूरे चैप्टर की समरी है हमें करना क्या क्या है सर पहले तो आपने कमर्शियल और सेंट्रल बैंक लिख दिया पहले इसके बारे में बता दो एक मिनट दे दो अभी बता दूंगा इसके अलावा कुछ और बैंक्स भी होते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है लिख के ले आया हूं कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स भी होते हैं रीजनल रूरल बैंक्स भी होते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी होते हैं पेमेंट्स बैंक भी होते हैं ये सुना होगा ना पेटीएम पेमेंट्स बैंक ये सब तरीके के भी बैंक्स होते हैं बट हमें इनके बारे में नहीं पढ़ना हमारे कोर्स में नहीं है तो भैया हम कोर्स ओरिएंटेड चीज चलेंगे हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं तभी वन शॉट देख रहे हैं ना तो हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही टाइप ऑफ बैंक हमें देखने हैं एक है सेंट्रल बैंक एक है कमर्शियल बैंक हमारे देश का सेंट्रल बैंक होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर सबसे टॉप नॉच बैंक जो सबसे टॉप पर बैंक बैठा हुआ है ना जो सारे अदर बैंक्स को कंट्रोल कर रहा है वो हमारा सेंट्रल बैंक होता है उसके नीचे जितने भी बैंक्स होते हैं क्या एग्जांपल हो सकते हैं सर इनके अरे सर ये पंजाब नेशनल बैंक है मेरे घर के पास एक्सिस बैंक है मेरे घर के पास आईसीआईसीआई आए बैंक है मेरे घर के पास एच बैंक है और एस भी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है ये सब हमारे कमर्शियल बैंक के एग्जाम्पल हैं इनके बारे में पूरा पढ़ना है ये बैंकिंग सिस्टम के अंदर ना मैंने तुमको क्या बताया ये देखो कमर्शियल बैंक्स के बारे में पूरा पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में पूरा पढ़ेंगे तो हमारा बैंकिंग वाला पार्ट खत्म हो जाएगा यहां पर हम मनी के बारे में पढ़ लेंगे तो मनी वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा पूरा मनी एंड बैंकिंग निपटारा कर देंगे कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है कहां पर ज्यादा याद करना है किधर ऊपर ऊपर से देख के काम चल जाएगा सब चीजें बता दूंगा ध्यान से सुनते रहना बस पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहना कि सर ये ये टॉपिक ऊपर से भी देखेंगे ना तो चल जाएगा बस अपने को ऊपर से देख के पता होना चाहिए कि क्या चीज होती है एंड किन चीजों को अच्छे से याद करना है लिख कर देखना है वो भी बता दूंगा बस साथ साथ चलते रहना पूरी वीडियो को देखते रहना अब हमने बात करी कौन से दो टाइप ऑफ बैंक हमें पढ़ने हैं सेंट्रल बैंक एक होता है एक होता है कमर्शियल बैंक्स वैसे हमने इसका बता दिया सेंट्रल बैंक कौन सा है हमारे देश का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का सेंट्रल बैंक है 1935 में आर बी आई आया था आरबीआई लॉन्च हुआ था हमारे देश के अंदर 1935 के अंदर जब से वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहलाया जाता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ठीक है सेंट्रल बैंक होता क्या है प्राइमरी मॉनेटरी अथॉरिटी मतलब सर टॉप लेवल की जो मॉनेटरी अथॉरिटी है जितना भी पैसों से रिलेटेड चीजें हैं इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड चीजें हैं क्या इंटरेस्ट रेट होगा क्या चीजें इकोनॉमी में जितना भी इंटरेस्ट से रिलेटेड मनी से रिलेटेड ये सब चीजें का जो टॉप अथॉरिटी है जो इसको मैनेज करने वाली सबसे ऊपर अथॉरिटी है उसी को सेंट्रल बैंक बोलते हैं उसके नीचे कुछ और छोटी अथॉरिटीज भी होती हैं जो इस करेंसी मनी और इंटरेस्ट रेट्स इन सब को मैनेज करती हैं उनको बोला जाता है कमर्शियल बैंक्स एंड ये कैसे मैनेज करते हैं क्या करते हैं वो तुमको बताता हूं पहले बस बस ठीक है सर बस इतना समझ आया है अभी तक अपने को इतना समझ आया कि हमें मनी एंड बैंकिंग करना है तुमको बैंकिंग में कराऊंगा मनी मैं कराऊंगा बैंकिंग दो पार्ट्स में पढ़ाऊंगा एक सेंट्रल बैंक के बारे में सब बता दूंगा कमर्शियल बैंक्स के बारे में सब बता दूंगा कमर्शियल बैंक्स क्या है पहले इससे शुरुआत करूंगा कमर्शियल बैंक्स में कितने खाते होते हैं हमने एक चीज तो कर ली सर टाइप्स ऑफ बैंक्स हमारे देश में कितने टाइप्स ऑफ बैंक्स हैं सेंट्रल और कमर्शियल उसके अलावा और भी थे बट हमारे सिलेबस में नहीं है तो अभी छोड़ देते हैं सर उनको वैसे ही बहुत मोटा सिलेबस है बहुत सारी चीजें करनी है तो जो सिलेबस में नहीं है लेस इंपॉर्टेंट है उनको अभी छोड़ देते हैं

तो मैंने वहां पर जाकर पैसे डलवा दिए मैंने डिपॉजिट कर दिया मैंने पैसे क्या करे डिपॉजिट करे कमर्शियल बैंक में जाकर दूसरा काम मैं क्या कर सकता हूं मुझे सर कुछ पैसों की जरूरत है तो मैं बैंक में जाके लोन मांग सकता हूं उसके अलावा भी और फंक्शंस होते हैं आई नो तुमको भी पता होगा उसके अलावा भी और फंक्शंस प्रोवाइड करता है बैंक बट ये दो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं कमर्शियल बैंक्स के सेंट्रल बैंक पे अभी मैं नहीं आया हूं सेंट्रल बैंक के बारे में बात करेंगे अभी हम बात कर रहे हैं कमर्शियल बैंक के बारे में तो सबसे दो जरूरी फंक्शन कमर्शियल बैंक के मुझे सर यही दिखाई देते हैं कि एक तो वो डिपॉजिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि मेरे को पैसा जमा कराना है तो बहुत अलग-अलग टाइप -अलग के ना अकाउंट्स भी ऑफर करता है मुझे कहता है कि हां अगर सेविंग्स अकाउंट भी कर सकते हो करंट अकाउंट भी कर सकते हो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट भी कर सकते हो एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में भी पैसा डलवा सकते हो बहुत अलग अलग तरीके के अकाउंट्स होते हैं तो सर मुझे तो पता नहीं है कौन से अकाउंट्स बोल दिया आपने तो मैं बताऊंगा टेंशन मत लो इन सब अकाउंट्स के बारे में मैं बता दूंगा ठीक है तो इन अकाउंट्स में पैसा डलवा सकते हो तुम अपना और तुम बैंक से लोन ले सकते हो ये दो मेजर फंक्शन होते हैं किसी भी कमर्शियल बैंक के तो यही सारी चीजें मैंने यहाँ पर भी लिखी है कमर्शियल आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपोजिट फ्रॉम पब्लिक भाई एक, क्या सबसे पहला फंक्शन क्या था कि जो जर्नल पब्लिक है मेरे तुम्हारे जैसे लोग हैं उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है एंड प्रोवाइड लोन्स और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है एंड इसी जर्नल पब्लिक को लोन्स भी प्रोवाइड करने का काम किसका है इसी कमर्शियल बैंक का है इसके अलावा कुछ और भी छुटमुट फंक्शन है जो ये परफॉर्म करती है सेविंग्स अकाउंट तो इसी के अंदर आ जाएगा डिपॉजिट्स के अंदर क्रेडिट फैसिलिटीज भी लोन्स के अंडर आ जाएगा और भी कुछ छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं जो कमर्शियल बैंक परफॉर्म करता है बट हमको नहीं जानना हमारे कोर्स में नहीं है हमारे कोर्स में सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक है फर्स्ट इज कि एक तो वो डिपॉजिट्स लेता है फ्रॉम दर्नरल पब्लिक सेकेंड इज कि वो लोन्स देता है टू दर्नरल पब्लिक अब सब देख लेंगे कि क्या करता है इन पैसों को लेकर लोन देकर कमर्शियल बैंक करता क्या है कैसे पैसा कमाता है क्या चीजें करता है सब कुछ बता दूंगा कमर्शियल बैंक के बारे में बस बातें सुनते रहो बातें सुनते रहो कंटेंट तुम्हारे सामने है वो मतलब तुम स्क्रीन भी ले सकते हो देख भी सकते हो अभी कुछ स्क्रीन लेने लायक है नहीं जब स्क्रीन लेने लायक होगा मैं खुद रुक के तुमको टाइम दे दूंगा अभी सिर्फ समझने की बात है पहले समझ लो ये कुछ टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक हमको पता ही है सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीएनबी एन एच डी एफ सी एक्सिस बैंक बैंक ऑफ बड़ोडा ये हमारे कुछ टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक हैं क्या है ये टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक जो हमको पता है जिनके बारे में है ना सर और इनका हमको काम भी पता लग गया कि ये काम करते क्या हैं डिपॉजिट लेते हैं एंड लोन्स प्रोवाइड करते हैं अब आपने ना कुछ बात कही थी आपने कुछ अकाउंट्स का नाम लिया था है ना आपने कहा से करेंट डिपॉजिट अकाउंट रिक्रूविंग डिपॉजिट अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट तो मैं कहता हूं इनको मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दूंगा इन बैंक अकाउंट्स को एक का नाम होगा डिमांड डिपॉजिट एक का नाम होगा टाइम डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं डिमांड डिपॉजिट क्या है सर वट आर डिमांड डिपॉजिट तो ऐसा डिपॉजिट सर हमारे हमें जो कमर्शियल बैंक है वो डिपॉजिट की फैसिलिटी देती है ना कि हम अपना पैसा वहां डलवा सकते हैं तो दो तरीके के डिपॉजिट्स बोलती है वो वो कहती है एक तो है डिमांड डिपॉजिट मतलब ऐसा डिपॉजिट जहां से तुम जब मन चाहे वो जो तुमने पैसा डलवाया है निकाल सकते हो जब तुम्हारा मन है जाओ बैंक में जाओ पैसा निकाल लो ठीक है वो कौन से होंगे सर डिमांड डिपॉजिट्स। कुछ डिपॉजिट्स ऐसे भी होंगे जिसके लिए वो कमर्शियल बैंक टाइम फिक्स कर देगा कहेगा कि भाई पैसा तो डलवा रहे हो पहले ही तुमको वार्निंग दे देगा कि ये पैसा तुम डलवा रहे हो दस हजार पैसे को तुम छह महीने तक नहीं निकाल सकते, सकते तुम्हारा मन होगा तो तुम वो पैसा डलवाओगे वरना तुम नहीं डलवाओगे क्योंकि वहां पर एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड बाद तुम अपना पैसा निकाल सकते हो उनको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट्स कि भैया तुम डलवा तो रहे हो पैसा बट तुम जब मन चाहे निकाल नहीं सकते छह महीने एक साल बाद जो भी बैंक ने डिसाइड करा है टाइम पीरियड उस टाइम पीरियड बाद तुम पैसा निकाल सकते हो दैट इज नोन एज टाइम डिपॉजिट्स बस यही फर्क है डिमांड और टाइम डिपॉजिट्स में डिमांड डिपॉजिट्स जब मन चाहे पैसा निकाल लिया टाइम डिपॉजिट्स जब डिसाइडेड uh, है एंड ये बैंक डिसाइड नहीं तुम दोनों मिलकर डिसाइड करोगे कमर्शियल बैंक और तुम दोनों मिलकर वो टाइम पीरियड डिसाइड करोगे कि छह महीने बाद बारह महीने बाद तीन साल बाद कम तुम वो पैसा निकालने वाले हो एंड वो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद ही तुम वो पैसा निकाल सकते हो दैट इज नोन एज टाइम डिपॉजिट्स डिमांड डिपॉजिट्स आर डिपॉजिट डिपॉजिट्स विच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड विड्रॉन ऑन डिमांड का मतलब होता है विड्रॉन एनी टाइम ठीक है ना विड्रॉन एनी टाइम हम उसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं फर्स्ट इज सेविंग डिपॉजिट अकाउंट सेकेंड इज करंट डिपॉजिट अकाउंट ये क्या होते हैं इनके बारे में पूरा डिटेल बता दूंगा बस एक चीज इतना बता रहा हूं इनके बारे में जानना जरूरी है ठीक है जानना जरूरी है डिमांड डिपॉजिट और करंट डिपॉजिट अकाउंट क्या होते हैं टाइम डिपॉजिट कौन से होते हैं जो हम कैन नॉट बी विदड्रॉन ऑन डिमांड मतलब हम जब मन चाहे वो पैसा नहीं निकाल सकते हम आफ्टर अ स्टिप्यूलेटेड टाइम पीरियड एंड इस टाइम पीरियड को डिसाइड कौन करता है इस टाइम पीरियड को डिसाइड करता है डिसाइडेड बाय डिपॉजिटर एंड बैंक इस स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड को बैंक डिसाइड नहीं करता डिपॉजिटर और बैंक मिलकर डिसाइड करते हैं बैंक बताता है कि देखो हमारे पास ये ये ऑप्शन लगा सकते हो अपना टाइम डिपॉजिट में रख सकते हो तो फिर मैं डिसाइड करता हूं उसके बाद कि हां मैं छह महीने के लिए रखूंगा या कितने टाइम पीरियड के लिए रखूंगा उसी को बोला जाता है रिक्रूंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ये दोनों टाइम डिपॉजिट अकाउंट के ही दो सब पार्ट्स हैं देख लो एक बारी इनके बारे में पूरा डिटेल बता देता हूं सेविंग डिपॉजिट क्या होता है और करंट डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है मत देखो इधर मत देखो मैं तुमको टाइम दे देता हूं ये लो तुमको स्क्रीनशॉट लेना है तुम स्क्रीनशॉट ले लो अब तुम मेरी बात सुन लो बस अब एक बारी बात सुन लो वो पीछे का मत देखो दो मिनट के लिए बात सुनो बस सेविंग और करंट में क्या फर्क है सबसे पहला फर्क सर सेविंग्स अकाउंट एक तो देखो दोनों में सिमिलैरिटी है कि दोनों तो सर, कुछ ही नहीं है डिफरेंसिंग अकाउंट uh, होता है ना जर्नली इसमें पैसा कौन डलवाता है हाउस होल्ड हाउस होल्ड में कौन आते हैं जो लोग बिजनेस नहीं कर रहे तुम मैं मतलब तुम हो गए मैं हो गए हम लोग क्या कर रहे हैं तुम भी शायद कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो भाई तुम ट्वेल्थ के स्टूडेंट हो तो आई होप बिजनेस नहीं कर रहे हो मैं भी कोई बिजनेस नहीं करता मैं भी भाई यहां पर पढ़ाता हूं तुम्हारे एक नौकरी कर रहा हूं मैं भी तो जो भी लोग जो बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है वो हाउस होल्ड सेक्टर के अंडर आते हैं तो हाउस होल्ड जब अपना पैसा रखता है तो वो जर्नली सेविंग्स अकाउंट में रखता है बट जब जो बिजनेस वाले लोग होते हैं बिजनेस वाले अगर जैसे मेरे पापा की एक केमिस्ट शॉप है तुम्हारे पापा का कोई बिजनेस हो सकता है तो वो कौन से टाइप का अकाउंट खुलवाते हैं वो खुलवाते हैं करंट डिपॉजिट अकाउंट अब क्या फायदा है सर हाउस होल्ड को क्या फायदा है करंट डिपॉजिट वालों को क्या फायदा है हाउस होल्ड को मिलता है इस इसपे इंटरेस्ट तुमने अगर दस हजार रुपए रखवाए तो उस पर बैंक तुमको सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देगा तुम्हें बैंक पक्का इंटरेस्ट देगा दो परसेंट हो सकता है पांच परसेंट हो सकता है वो जो भी होगा वो बैंक पहले ही तुमको बता देगा बट करंट अकाउंट में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं होता करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता दस हजार रुपए है तुम उसको पांच साल के लिए रखो छे साल के लिए रखो वो दस के दस हजार ही रहेंगे उस उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला कुछ पैसा ऊपर से नहीं मिलेगा ठीक है तो सर करंट अकाउंट में क्या फर्क समझ आया सेविंग्स अकाउंट में हाउस होल्ड जर्नली पैसा रखता है करंट अकाउंट में कौन रखता है बिजनेसेज वाले लोग जो बिजनेस वाले लोग होते हैं वो पैसा रखते हैं सेकेंड चीज सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता तो यार मैं ऐसी जगह क्यों पैसा रखूंगा बिजनेस वाले क्यों पैसा रखेंगे ऐसी जगह जहां पे कोई इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा बट एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है इनको वो फैसिलिटी होती है अनलिमिटेड डिपॉजिट्स की कि भाई तुम अपना जो पैसा है ना वो अनलिमिटेड डिपॉजिट्स कर सकते हो कितना भी डिपॉजिट और कितना भी विदड्रॉ कितनी भी बार डिपॉजिट कितनी भी बार विड्रॉ कोई अपर लिमिट नहीं है करोड़ों का करोड़ों की ट्रांजेक्शन है करोड़ों की भी करो सेविंग्स अकाउंट में दिक्कत आ जाती है इतनी इतनी अपर लिमिट उसकी डिसाइडेड नहीं होती करंट अकाउंट में कोई अपर लिमिट नहीं होती जितने मर्जी ट्रांजेक्शन तुम दिन में जितनी मर्जी बारी कर सकते हो तो यही बेनिफिट होता है बस इसके साथ साथ क्या है एक डिसएडवांटेज होता है कि इस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता साथ ही साथ करंट डिपॉजिट अकाउंट के अंदर एक और फैसिलिटी भी मिलती है ओवर ड्राफ्ट की फैसिलिटी ओवर ड्राफ्ट तुमने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा नहीं पढ़ा तो बता देता हूं ओवर ड्राफ्ट की फैसिलिटी क्या होती है ओवर ड्राफ्ट का मतलब होता है मेरे खाते में है दस हजार रुपए बट मुझे जरूरत पड़ गई बारह हजार रुपए की कहीं पेमेंट करनी है तो मैंने बैंक से कहा कि प्लीज मेरी बारह हजार की पेमेंट कर दो मैं बाद में दो हजार ऑफ कर दूंगा तुमको ठीक है थोड़े टाइम पीरियड में पांच दिन में दस दिन में ऑफ कर पैसा खुलवा रखा है दो हजार रुपए उसने मुझे ओवरड्राफ्ट दे दिए तो ओवर ड्राफ्ट की फैसिलिटी भी कहां पर मिलती है करेंट डिपोजिट अकाउंट में मिलती है उसके अलावा देखो यही लिखा है कि एक डिमांड डिपॉजिट होता है जर्नली बिजनेसिस एंड प्रोफेशनल इस अकाउंट को खुलवाते हैं सेविंग इज ऑल्सो अ डिमांड डिपॉजिट बट इसको खुलवाता कौन है जर्नली कौन इसका अकाउंट ओपन करवाता है हाउस होल्ड करवाते हैं ठीक है यहां पर हाउस होल्ड अपना पैसा सेव कर सकते हैं वाइल अर्निंग बट इनको यहां पर इंटरेस्ट मिलता है करंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता सेविंग्स पे इंटरेस्ट मिलता है ठीक है सर ये दोनों टाइप के अपने कौन से हो गए टाइप्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स बैंक अकाउंट्स चलो वही सर आगे चलते हैं अब टाइप्स ऑफ वो भी बता दो ना टाइम डिपोजिट्स बैंक अकाउंट्स टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ़ टाइम डिपॉजिट्स बैंक अकाउंट भी बता दो तो दो टाइप्स होते हैं टाइम डिपॉजिट्स के भी तुमको बता दिया था और उनके सारा डिफरेंस बताया ना जुबानी सेविंग्स और करेंट का तो डिफरेंस पता लग गया दोनों डिमांड डिपॉजिट्स के टाइप होते हैं अब आ जाते हैं रिक्रूंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट पे ये सर टाइम डिपॉजिट के हैं तो मतलब इनमें पैसा हम जब मर्जी नहीं निकाल सकते एट अ अटिपुलेटेड पीरियड ऑफ आफ्टर अ अटिप्यूलेटेड पीरियड ऑफ टाइम तभी हम पैसा निकाल सकते हैं ठीक है सर अब रिक्रूंग डिपॉजिट क्या है और फिक्स डिपॉजिट क्या है रिक्रूंग डिपॉजिट में तुम जो पैसा है ना वो छोटे छोटे पार्ट्स में डलवाते हो तुम जैसे तुम्हारा रिक्रूंग डिपॉजिट अकाउंट है साठ हजार रुपए का तो तुम दस दस हजार छ महीने के लिए डलवा रहे हो एंड फिर छह महीने बाद तुम्हें टोटल अमाउंट मिलेगा विदा इंटरेस्ट ठीक है तो तुम इसमें पैसा दस 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 छह महीने के लिए डलवाया ऐसे डलवा रहे हो एंड तुम पैसा निकाल कब सकते हो आफ्टर सिक्स मंथ ठीक है मैंने कौन सा आर अकाउंट लिया रिक्रूंग डिपॉजिट अकाउंट मैंने कौन सा लिया इसको जर्नली आरडी अकाउंट भी बोला जाता है एंड इसको एफडी अकाउंट भी बोला जाता है ठीक है तो मैंने लिया रिक्रूंग जिसमें मैं अपना पैसा जो था जो डिपॉजिट था वो छोटे छोटे पार्ट्स में डलवा रहा था फिक्स डिपॉजिट में अलग हो जाता है फिक्स डिपॉजिट में कहता है कि पूरे साठ हजार एक ही बार डलवा दो और फिर छह महीने बाद मेरे से इंटरेस्ट समेत पैसा ले लेना बस इतनी सी बात बोलता है छह साठ के साठ हजार अभी डलवा दो छह महीने बाद मेरे से पूरा पैसा ले लेना इंटरेस्ट के समेत रिक्रूंग में कहता है कि साठ हजार नहीं है तुम्हारे पास तो दस 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 छ महीने के लिए डलवा दो फिर जो भी तुम्हारा टोटल साठ हजार हो गया उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी तुम हमारे से ले लेना तो ये फर्क होता है रिक्रूंग और एफडी में बस एक डिफरेंस ये है ये तो सर ये देखो यही सेम बात लिखी है टाइम डिपॉजिट है इंडिविजुअल डिपॉजिट ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी रेगुलरली रेगुलर बेसिस पे वो पैसा डलवाता रहता है छोटे छोटे पार्ट्स में पैसा डलवाता रहता है जो इसका इंटरेस्ट रेट होता है ना वो पहले से ही फिक्स्ड होता है एंड इसका इंटरेस्ट रेट सेविंग डिपॉजिट से हाइयर होता है ठीक है ना अब सर मैं सेविंग डिपॉजिट में पैसा क्यों नहीं डलवाऊंगा और आईडी में क्यों डलवाऊंगा तो कारण यही है कि भाई इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है सेविंग्स अकाउंट से सेविंग्स uh, अकाउंट से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है एंड एफडी का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होता है एफडी का इंटरेस्ट रिक्रूंग डिपॉजिट से भी ज्यादा होता है मतलब सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट के मामले में रखा जाए तो एफ अकाउंट सबसे पहले फिर आर अकाउंट फिर सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट में तो इंटरेस्ट रेट होता ही नहीं है तो बस यही चीज है इसमें हम एक ही बारी लमसम अमाउंट लमसम मतलब पूरे साठ के साठ हजार एक ही बार में दे दो फिर छह महीने तक हमें शक्ल मत दिखाना छह महीने बाद आना भैया पैसे लेने ठीक है तो यही अपने टाइम डिपॉजिट्स और रिक्रूंग डिपॉजिट्स हैं ठीक है ना हमने कमर्शियल बैंक्स के कमर्शियल बैंक कौन सी डिपॉजिट फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करता है हमने देख लिया एक डिमांड डिपॉजिट एक टाइम डिपॉजिट, दोनों के तुमको टाइप्स भी अच्छे से बता दिए एक क्वेश्चन कर दो एक दो क्वेश्चन कर दो ना ये क्वेश्चन कर दो देख लो करने की कोशिश करना फिर मैं बता देता हूं गिविंग परमिशन टू विड्रॉ मनी बाय अमाउंट मोर देन डिपॉजिटेड टू मोर देन डिपोजिटेड इज नोन एज सर मेरे पास दस हजार रुपए थे याद है ना मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था मेरे पास दस हजार थे बट मुझे पेमेंट करनी थी बारह हजार की ट्वेल्व के की तो दो हजार रुपये ज्यादा मुझे दो हजार रुपए का क्या दिया था मेरे बैंक ने मुझे ओवर ड्राफ्ट दिया था ठीक है ना तो अगर हम अपना अमाउंट जो हमारे बैंक खाते में है उससे ज्यादा विड्रॉ कर लेते हैं उससे ज्यादा की पेमेंट कर देते हैं एंड बैंक हमें परमिशन भी देता है उस चीज की तो उस फैसिलिटी को हम ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं एंड दिस फैसिलिटी इज ऑफर्ड इंस्टेंटली अंडर डैश डिपॉजिट अकाउंट कौन से डिपॉजिट अकाउंट के अंदर यह फैसिलिटी प्रोवाइडेड थी करंट डिपॉजिट अकाउंट के अंदर यह फैसिलिटी प्रोवाइडेड थी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा चलो सर अब आपने हमको एक चीज बता दिया हमारे आपने एक चीज बता दिया कि सर कमर्शियल बैंक कौन से टाइप ऑफ डिपॉजिट्स कितने टाइप ऑफ बैंक अकाउंट हमको ऑफर करता है अब आगे चलते हैं कमर्शियल बैंक खत्म करना है ना कमर्शियल बैंक के हमने देख लिए कितने टाइप ऑफ डिपॉजिट्स वो देता है अब सेकंड टॉपिक पर आते हैं कि कमर्शियल बैंक के फंक्शन क्या होते हैं वो तुमको पहले ही बता दिया पहला फंक्शन क्या था डिपॉजिट फैसिलिटी दूसरा फंक्शन क्या था कि वो लोन हम बैंक से जाकर लोन ले सकते हैं ठीक है तो कमर्शियल बैंक के यही दो फंक्शन हैं एक तो वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है दूसरा प्रोवाइडिंग लोन टू पब्लिक पब्लिक से डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है एंड लोन्स भी प्रोवाइड करता है टू दी पब्लिक एंड डिपॉजिट्स कितनी फॉर्म में करता है हमने चारों फॉर्म्स देख ली सेविंग्स करेंट एफडी चलो सर एंड हमारे सिलेबस में सिर्फ प्राइमरी फंक्शन ही है तो याद रखना देर आर टू फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक प्राइमरी एंड सेकेंडरी हमारे सिलेबस में सिर्फ प्राइमरी फंक्शन है तो सिर्फ यही दो फंक्शन करना तुम्हें अलग अलग बुक में कमर्शियल बैंक के सेकेंडरी फंक्शन भी मिलेंगे तो इफ यू आर अ सीबीएसई स्टूडेंट सीबीएसई स्टूडेंट के लिए सिर्फ प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक ही अपन को करना है ठीक है ठीक है गाइस और तुम कोई से भी स्टेट बोर्ड के भी हो अगर तुम्हारे स्टेट बोर्ड में एनसीआर की किताब फॉलो करी जाती है तो तुमको भी प्राइमरी फंक्शन ही फॉलो करना है अब सर ये तो काम हो गया चलो यार आपने सही बात कही दस हजार रुपए का बैंक ने डिपॉजिट ले लिया मैं गया दस हजार रुपये का मैंने बैंक में डिपॉजिट करा दिया मेरा एक दोस्त आया मोन्टू Montu आया मोंटू ने दस हजार रुपए का बैंक से लोन ले लिया तो सर इसमें बैंक का क्या फायदा हुआ बैंक के पास दस हजार आए दस हजार चले गए अब बैंक क्या वहां पे मतलब मंजिरे बजाएगा क्या करेगा बैंक बैंक अपना प्रॉफिट कैसे कमाएगा अर्निंग कैसे कमाएगा बैंक तो बैंक प्रॉफिट कैसे कमाएगा देखो यहीं लिखा हुआ दस हजार रुपए का मैंने बैंक में कराया डिपॉजिट बैंक जो मुझे इंटरेस्ट पे करेगा क्योंकि देखो हमने क्या बात करी थी सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट हो आरडी अकाउंट हो एफडी अकाउंट हो सब पे बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है जो भी बंदा डिपॉजिट करा रहा है तो मैक्सिमम डिपॉजिट पांच परसेंट वो मुझे पे कर देगा ये क्या है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स ठीक है ना तो अगर मैं दस हजार रुपए डलवा भी रहा हूं दस हजार रुपए मैंने डलवाए तो उसके ऊपर सिर्फ मुझे बैंक पांच सौ रुपए इंटरेस्ट देगा सालाना ईयरली मेरे पास इंटरेस्ट कितना आएगा पांच सौ रुपए इंटरेस्ट आएगा सर ठीक है साल भर का आपका इंटरेस्ट सिर्फ पांच सौ रुपए होगा तो बैंक का खर्चा क्या हुआ बैंक को कितना पैसा अपनी जेब से देना पड़ा एज ए इंटरेस्ट की फॉर्म में तो बैंक को पांच सौ रुपए का सिर्फ खर्चा हुआ ठीक है सर बैंक को हुआ सिर्फ पांच सौ रुपए का खर्चा अब यही दस हजार रुपए बैंक ने मेरे दोस्त मोन्टू को दे दिए मोन्टू ने लिया था उधार बैंक से तो बैंक वाले अब क्या करते हैं मोन्टू से लेंगे ज्यादा इंटरेस्ट मोन्टू से कहेंगे वो भाई मोन्टू इधर आ तू हमें दे पंद्रह परसेंट इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन लोन्स जो बैंक लोन्स प्रोवाइड करेगी ना वो इंटरेस्ट होगा ज्यादा डिपॉजिट्स में बैंक का खर्चा था एक्सपेंस था तो उसने इंटरेस्ट रेट रखा कम बट लोन्स पर जो इंटरेस्ट आएगा वो बैंक की होगी इनकम वो 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 बैंक बैंक की क्या है इनकम तो इंटरेस्ट रेट जो था वो सर बैंक ने क्या करा बढ़ा दिया कितना कर दिया सर पंद्रह परसेंट कर दिया तो बैंक का इनकम कितना हुआ पंद्रह हजार तो प्रॉफिट क्या हो गया बैंक का पंद्रह हजार उनको इनकम मिला जो मोन्टू से उन्हें इंटरेस्ट मिला एंड पांच सौ रुपये उन्होंने मुझे पे ऑफ कर दिया ठीक है जो मेरा इंटरेस्ट बनता था तो बैंक ने ये ट्रांजेक्शन से पूरे हजार रुपए कमा लिए और ये तो सिर्फ मेरी और मोन्टू की ट्रांजेक्शन हुई ऐसे हजारों करोड़ों लोग बैंक अकाउंट में पैसा कर, डलवाते हैं दसो हजार रुपए तो सोचो बैंक कितना पैसा जनरेट कर लेता होगा ठीक है तो हमने ये पूरी चीज क्या देखी इन्हीं दो फंक्शंस को परफॉर्म करके कैसे हमारा कमर्शियल बैंक प्रॉफिट जनरेट करता है कैसे हमारा कमर्शियल बैंक पैसा जनरेट करता है प्रॉफिट जनरेट करता है चलो भैया चलो सर जी आगे चलते हैं अब मैं तुम्हें एक बात और बताता हूं ठीक है इसी फंक्शन पे आगे चलते रहेंगे बस यही दो फंक्शन है बैंक के जो हमें पढ़ने हैं बट इन्हीं के बारे में आगे और बात करता रहूंगा तुमसे ठीक है इन्हीं के बारे में हल्की सी और बात करता हूं अब क्या होता है सर आपने कहा आपने दस हजार रुपये डलवाए और आपका दोस्त आया मोन्टू पूरे दस के दस हजार रुपए ले गया तो बैंक के पास तो कुछ भी पैसा नहीं पड़ा बैंक पर पैसा हो गया खत्म अभी के लिए सिर्फ एक अजम्पन लेके चलो कि सिर्फ बैंक के पास एक ही डिपोजिटर है मैं और एक ही लोन लेने वाला है मोन्टू और भी बहुत सारे लोग होते हैं बट अपनी समझने के लिए भी इतना ही समझ के चलो ठीक है तो सर बैंक के पास तो पैसा खत्म जीरो रुपये हो गए बैंक के पास अब अगर कल को आपको ज़रूरत पड़ गई आपके घर में कोई बीमार हो गया आपको पैसों की जरूरत पड़ गई आप बैंक से पैसे लेने जाओ क्योंकि तो आपने तो डिमांड डिपॉजिट में पैसा डलवाया था मान के चलते हैं आपने डिमांड डिपॉजिट में पैसा लगवाया था तो आप जब मर्जी जाके निकाल सकते थे तो सर आप वहां पे गए पैसा निकालने बट बैंक वाले ने कहा अरे भैया हमारे पास कुछ नहीं है अब तो मोन्टू के पास पैसा है मोन्टू वापिस करेगा हमको तब तुमको दे पाएंगे तो मैं कहूंगा अरे ओ भाई ये क्या फैसिलिटी हुई डिमांड डिपॉजिट की फैसिलिटी कहा मिली मुझे ये तो मेरा पैसा अटक गया अब मैं क्या करूं अब मैं क्या करूं करू? ऐसे केस केस में तो ये सर केस होता ही नहीं है ऐसा केस रहता ही नहीं है बिकॉज अगर मैं बैंक को रुपए एज अ डिपॉजिट जमा करा रहा हूं ना तो बैंक वो सारा पैसा कभी भी लोन में नहीं देता वो कुछ पैसा अपने पास रिजर्व बना के रखता है अपनी तिजोरी में भर लेता है कुछ पैसे को इसको एक नाम से जाना जाता है उसका नाम भी बताऊंगा ठीक है इसका नाम बताते हैं बैंक के पास दस हजार रुपए के बैंक कभी भी वो सारे के सारे डिपॉजिट लोन में नहीं देगा बैंक ने एट्टी परसेंट ऑफ द डिपॉजिट लोन में दे दिए एंड बीस परसेंट रख लिए अपने पास ठीक है ना कि कल को अगर कोई उससे वापस पैसे लेने आ जाए कल को कोई ऐसा बंदा जिसने डिमांड डिपॉजिट में पैसा डलवाया था और वो बैंक से पैसा लेने आ जाए तो बैंक उसको वो चीज़ पे ऑफ कर सके इसीलिए वो अपने पास एक रिजर्व बना के रखता है एंड जो उस रिजर्व का परसेंटेज होता है उसको रिजर्व रेशियो कहा जाता है इसका पूरा नाम होता है लीगल रिजर्व रेशियो ठीक है इस इसका पूरा नाम होता है लीगल रिजर्व रेशियो एंड इस लीगल रिजर्व रेशियो को डिसाइड कौन करता है डिसाइडेड बाय ठीक है तो सर ये जो आपने करा ना दस हजार रुपए में से जो कमर्शियल बैंक था उसने दो हजार अपने पास रखा दैट इज बीस परसेंट अपने पास रखा एंड एट्टी परसेंट लोन की फॉर्म में दे दिया तो ये डिसाइड किसने करा कि तुम बीस परसेंट अपने पास रखोगे कौन है इसका डिसाइडिंग अथॉरिटी तो इसकी डिसाइडिंग अथॉरिटी है आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक तो याद रखना लीगल रिजर्व रेशियो या बैंक अपने पास कितना रिजर्व रखेगा वो पहले से ही हमारा सेंट्रल बैंक डिसाइड कर लेता है तो दिस इज द जर्नी ऑफ डिपॉजिट्स रिसीव्ड बाय दी डिपॉजिट्स रिसीव्ड बाय दी कमर्शियल बैंक्स, ठीक है ना इस तरीके से ये जर्नी स्टार्ट होती है सारा पैसा लोन में नहीं दिया जाता एक परसेंटेज दिया जाता है और कुछ परसेंटेज अपने पास रिजर्व की फॉर्म में भी रखता है बैंक अब ये रिजर्व में भी लोचा है रिजर्व का लोचा भी समझाओ सर रिजर्व में क्या लोचा है ये भी बता दो तो लीगल रिजर्व रेशियो का भी एक लोचा है लीगल रिजर्व रेशियो में भी एक गड़बड़ है वो क्या गड़बड़ है लीगल रिजर्व रेशियो जो वो अपने पास रिजर्व बना के रखा उसने दो हजार वो सारे पैसे अपने पास नहीं रखता वो कुछ पैसे अपने पास रखता है कमर्शियल बैंक कुछ पैसे कहता है सेंट्रल बैंक को कि भैया तुम हमारे चाचा हो तुम हमारे बड़े हो थोड़े पैसे आप अपने पास रख लो अगर मेरे से पैसे गुम गए कुछ हो गया तो मैं आपसे ले लूंगा ठीक है ऐसा बोलता नहीं है बस समझाने के लिए समझ लो ठीक है तो वो कुछ पैसा अपने चाचा जी के पास रख लेता है कुछ पैसा अपने पास रख लेता है तो बस यही इन्हीं दो पार्ट्स में रेशो जो रिजर्व है वो डिवाइड हो जाता है एक पैसा वो रखता है अपने पास जिसका नाम होता है स्टैचूटरी लिक्विडिटी रेशियो जिसका नाम होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एस और कुछ पैसा वो क्या करता है सेंट्रल बैंक के पास रख लेता है जिसका नाम होता है कैश रिजर्व रेशियो ठीक है ना इसने जो दो हजार रुपए इसके पास आए थे उस दो हजार रुपए में से बारह सौ रुपए तो अपने पास रख लिए आठ सौ रुपए क्योंकि दो हजार का रिजर्व बनाया था ना अभी हमने देखा था आठ सौ रुपए इसने कहा कि सेंट्रल बैंक मेरे चाचा जी थोड़े दिन आप अपने पास रख लो और बारह सो रुपए इसने अपने पास खुद रख लिए पोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स केप्ड बाई कमर्शियल बैंक विद सेल्फ ठीक है ठीक है भाई देवियों सजनो दोबारा से सुन लो डिपॉजिट्स आए दस हजार के सारा लोन में नहीं दिया आठ हजार लोन दिया उसमें से दो हजार रुपए रिजर्व अपने पास रखता है रिजर्व दो भागों में बढ़ जाता है एक पार्ट ऑफ रिजर्व वो अपने पास रखता है एक पार्ट ऑफ रिजर्व वो कहता है मेरे चाचा जी मेरे सेंट्रल बैंक जी आप अपने पास रख लो ठीक है एंड ये कितना पार्ट है ये कितना परसेंटेज होगा एस कितना होगा सी कितना परसेंट होगा ये कौन डिसाइड करता है ये चाचा जी ही डिसाइड करते हैं सेंट्रल बैंक ही इसको डिसाइड करता है चलो भाई सर आगे चलो बहुत बात हो गई और ये जो डिपॉजिट होता है ना यहां पर ये वाला जो डिपॉजिट है या फिर जर्नी ऑफ डिपॉजिट है तो ये जो सबसे पहला डिपॉजिट बैंक के पास आता है इसको प्राइमरी डिपॉजिट कहा जाता है ये बैंक का प्राइमरी डिपॉजिट होता है ठीक है बैंक का प्राइमरी डिपॉजिट क्यों अभी इसके बारे में भी बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डिपॉजिट भी होता है उसके बारे में बताऊंगा क्योंकि सर प्राइमरी मतलब सबसे पहला पैसा आप ही ने डलवाया इसमें सबसे पहला पैसा आप ही ने डलवाया था एंड इट नोन एज प्राइमरी डिपॉजिट चलो सर तो हम जो हमारा प्राइमरी डिपॉजिट था उससे क्या खेल करते हैं क्या करते हैं उसका वो सारा खेल मैंने तुमको समझाया है ठीक है हम उसमें से कुछ खेल करते हैं सर लोन देकर और कुछ अपने पास रिजर्व बनाकर सब समझा दिया है बट तुम कैसे लिख के आओगे पेपर में वो फ्लो चार्ट बिल्कुल बना सकते हो फ्लो चार्ट बनाने से हेल्प होती है एग्जामिनर को समझ आता है तुम्हारे को मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं बट सर कुछ तो लिखना भी पड़ेगा ना तो लिखने के लिए देख लो सारी चीज तुम्हारे पास है स्क्रीन शॉट लेना स्क्रीन शॉट ले लो जो चीजें समझाई है सभी यहां पर लिखी है लोन्स क्या होता है प्रोवाइडेड टू दी जनरल पब्लिक सर कुछ पैसा अस्सी परसेंट उसने क्या करा था लोन्स की फॉर्म में दे दिया था बीस परसेंट रिजर्व रखे थे उसने अपने पास तो सर लोन्स का एक पोर्शन हो गया उसके अलावा लीगल रिजर्व रेशियो उसने अपने पास रखा था बीस परसेंट ठीक है एंड लीगल रिजर्व रेशियो दो चीजों से मिलकर बनता है एक होता है कैश रिजर्व रेशियो एक होता है स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो कैश रिजर्व रेशियो कौन सा होता है जो जो कमर्शियल बैंक्स कहते हैं चाचा जी आप अपने पास रख लो मेरे से कहीं घूमना ना जाए मेरी पैंट की जेब से ना निकल जाए तो आप अपने पास रख लो ठीक है तो वो होता है कैश रिजर्व रेशियो जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखता है स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो वो पार्ट ऑफ रिजर्व वो पार्ट ऑफ रिजर्व जो कमर्शियल बैंक खुद अपने पास रख लेता है ठीक है बस यही सीन था सारी बात बता दी अब ना एक चीज बताता हूं अब हमने इतनी चीज कर ली अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब समझ लो मैं इसके लिए ना लिख देता हूं मोस्ट 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 जितना मर्जी मोस्ट लिख दो उतना कम है इसके लिए भाई मैंने आज ही तुम्हारा 2021, 22, 23, 24 सारे पेपर एनालाइज करे हैं और 23 और 24 का तो मैं पेपर के सारे क्वेश्चंस लाया हूं क्लास के एंड में तुम्हारे साथ सारे डिस्कस कर लूंगा और तुमको कोई आंसर नहीं बताऊंगा मैं मैं सिर्फ कहूंगा ये देखो ये क्वेश्चन है और तुमको ये बता दूंगा कि देख लो हमने इस टाइम पे जैसे अभी हमारा ये क्लास का चल रहा है फोर्टी मिनट तो मैं तुमसे कहूंगा फोर्टी मिनट पे जाके देखो क्या मैंने यही सेम चीज समझाई है या नहीं समझाई तो तुम खुद रिलेट कर लेना कि पूरे सेशन को हमने देख हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं और चलो वो भी नहीं तो ये मैंने आज मतलब ना 21 से लेके 24 तक हर पेपर हर सेट में आया हुआ है ये क्वेश्चन हर पेपर और मतलब समझ लो पांच सेट आते हैं सीबीएसई के तो पांच में से ना दो या तीन सेट में हर साल ये पेपर ये वाला क्वेश्चन है अब ये कौन सा क्वेश्चन है सर जो इतनी बारी पूछा जा रहा है और आप इतना मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लिखवा रहे हो तो ये है वर्किंग ऑफ मनी मल्टीप्लायर पूछा ही पूछा जाता है मतलब समझ लो 90% परसेंट श्योर हूं मैं कि इस साल भी पेपर में ये पूछा जाएगा तुम्हारे इस बार के पेपर में ये चीज पूछी जाएगी वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर के बारे में अब ये मल्टीप्लायर क्या है मनी मल्टीप्लायर क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा तो भाई मैं बैठा हूं ना मैं पूरा समझाऊंगा और दोनों चीजें लाया हूं इसकी भी तुम्हारे लिए जैसे अभी समझाया ना पहले पूरा समझाऊंगा और फिर पेपर में तुमको कैसे लिखना है वो चीज भी मेरे पास है वो भी देख लेना कि भाई पेपर में कैसे लिख के पूरे नंबर आ जाएंगे समझ भी लेना लिखने का तरीका भी देख लेना अब चलते हैं दोबारा से सर दोबारा से चलते हैं इनिशियल डिपॉजिट की तरफ जिसको आप एक नाम और से जानते थे जिसको आप प्राइमरी डिपॉजिट के नाम से भी जानते थे जानते थे या नहीं जानते थे इनिशियल डिपॉजिट को आप प्राइमरी डिपॉजिट के नाम से भी जानते थे सर तो एक मेरे कहने से ठीक है मेरे कहने से एक अजम्पशन अपने दिमाग में रख लेना एक अजम्पशन अजम्पशन मतलब होता है कि ये चीज सच नहीं है बट हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये चीज सच है तो मेरे कहने से एक चीज को तुम अपने दिमाग में मान लेना कि हाँ ये सच है क्या सच है मनी दैट गोज आउट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इन लोन्स विल अगेन बी डिपॉजिटेड इन बैंकिंग सिस्टम सर जो पैसा आपने मोंटू को दिया मोंटू ही नाम था ना मेरे दोस्त का जो द, आपने आठ हजार रुपए का लोन आपने मोंटू को दिया तो ये अजमशन बोल रही है कि वो आठ हजार घूम फिर के वापस बैंक के पास पहुंच जाएंगे बस यही इतनी सी बात बोली है इसने ठीक है जो आप लोन देते हो वो पैसा वापस से बैंक के पास पहुंच जाता है एंड उसको ही सेकेंडरी डिपॉजिट बोलते हैं अभी बताता हूं दोबारा से सुनना बस इतनी सी बात थी तो अब यहां पर आ जाते हैं यहां पर थे तुम्हारे ईशान सर एंड इधर थे मोंटू भाई ठीक है अब अब क्या हुआ है ईशान सर ने कराया था सर डिपॉजिट टेन के का दस हजार का डिपॉजिट कराया था जिसमें से कमर्शियल बैंक ने ना आठ हजार रुपये हमारे मोन्टू भाई को दे दिए थे मोन्टू भाई को लोन की फॉर्म में दे दिया था अब मोन्टू ने क्या करा मोन्टू ना मोन्टू ने कहीं भी ये पैसा लगाया हो इसने ना ए बी सी लिमिटेड में पैसा लगाया था एबीसी लिमिटेड नामक इसने कंपनी चालू करी थी जिसमें आठ हजार रुपए इसने लगाए तो जो ये एबीसी लिमिटेड थी ना अब ये किसी और की कंपनी थी मतलब किसी और की कंपनी में इसने पैसा लगा दिया शेयर्स खरीद लिया कुछ भी करा तो अब एबीसीडी लिमिटेड ने मोन्टू का पैसा ले लिया आठ हजार रुपए एंड इसने जाकर क्या करा सर इसने जाकर बैंक में डिपॉजिट कर दिया यहां से क्या हुआ था दस हजार का डिपॉजिट हुआ था आठ हजार रुपए मोन्टू को दे दिए गए थे इन फॉर्म ऑफ लोन मोन्टू ने कहीं इस्तेमाल करा कहीं शेयर्स खरीद लिए एबीसी लिमिटेड के शेयर्स खरीद लिए एबीसी लिमिटेड ने मोन्टू का ये जो पैसा था वापस से कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करा दिया आठ हजार रुपये सर क्या बवाल है ये क्या हो रहा है ये क्या चल रहा है ये तो बस यही अजम्पशन है इसी अजम्पशन के बारे में बात कर रहा हूं दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ इनिशियल डिपॉजिट और प्राइमरी डिपॉजिट की ना यही लाइफ साइकिल है प्राइमरी डिपॉजिट आया फिर किसी को लोन की फॉर्म में दे दिया गया तो ना जो लोन की फॉर्म में पैसा बाहर गया है वो घूम फिर के वापस बैंक के पास पहुंच जाएगा तो जो पहले डिपॉजिट दिया गया ना सर इसीलिए इसको प्राइमरी डिपॉजिट कहा जाता है इसीलिए इसको प्राइमरी डिपॉजिट नामक एक धातु के नाम से जाना जाता है एंड ये वाला जो डिपॉजिट हुआ ये घूम फिर के बैंक के पास आया बैंक का ही पैसा था जो घूम फिर के उसके पास आ गया तो सर इसको बोला जाता है सेकेंडरी सेकेंडरी डिपॉजिट डिपॉजिट इसको सर सेकेंडरी नाम से जाना जाता है बस ये एक चीज समझानी थी अब इसके बारे में और चीजें तुमको खुद क्लियर हो जाएंगी देखना आप ध्यान से सर क्या हुआ ये अजम्पशन ध्यान रखना इस अजम्पशन को मत बोलना हमेशा इस अजम्पशन को लिख के आना जब भी तुम ये मनी मल्टीप्लायर ही समझा रहा हूं तुमको अब मनी मल्टीप्लायर क्या है सब सब तो तुमको समझ आ जा जाएगा बस इतना देखना अभी वही चल रही है इनिशियल डिपॉजिट की लाइफ साइकिल अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे उस लाइफ साइकिल को ये एजम्पन हमेशा याद रखनी है एक राउंड दो राउंड तीन राउंड क्या हुआ इन राउंडों में क्या हो गया सर ऐसा क्या देखने को मिल गया हमें जो आप इन राउंडों के नाम लिख के ले आए तो भाई देखो सबसे पहले मैंने करा था डिपॉजिट दस हजार रुपये का से मुंटू भाई को लोन दे दिया था आठ हजार का कुछ उन्होंने अपने पास रिजर्व रखा था एंड ये रिजर्व रेशियो कौन डिसाइड करता है दिस इज डिसाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ठीक है सर अब क्या हुआ सर वापस से बैंक में आ गए आए या नहीं आए आए या नहीं आए सर अभी आपने बताया वो जो घूम फिर के वापस पैसा बैंक में आ गया था तो जो सबसे पहले डिपॉजिट होता है राउंड वन में जो डिपॉजिट होता है उसको कहते हैं प्राइमरी उसके बाद जो घूम फिर के पैसा बैंक के पास आता है दैट इज सेकेंडरी डिपॉजिट आठ हजार रुपए बैंक के पास आ गए अभी हजार का बैंक क्या करेगा अरे सर जो पहले करा था वही सेम अब करेगा ये भी तो बैंक के लिए डिपॉजिट ही है तो इसका भी बैंक क्या करेगा एट्टी परसेंट आठ हजार का होता है सिक्सटी फोर हंड्रेड सिक्सटी फोर हंड्रेड बैंक दे देगा लोन और बीस परसेंट का बना लेगा रिजर्व बीस परसेंट का सर रिजर्व बना लेगा अगर दोबारा वही सेम चीज होगी 6400 जो आपने अब बाहर लोन की फॉर्म में दिए आपने मतलब बैंक ने कमर्शियल बैंक ने जो बाहर लोन की फॉर्म में दिए अब वो 6400 दोबारा से बैंक के पास आ गए अब इसका दोबारा से बैंक 80 परसेंट लोन में दे देगा 20 परसेंट अपने पास रख लेगा एंड ये साइकिल चलती ही रहेगी चलती ही जाएगी कब तक चलती जाएगी ये साइकिल कब तक ऐसे चलती जाएगी ये आपने पचास हजार और ये चालीस हजार और ये दस हजार आपने कैसे निकाल दिया ये क्या तुक्का मारा जो आपने इसकी वैल्यू निकाल दी तो ये साइकिल कब तक चलती जाएगी इसके बारे में हमको कौन बताता है इसके बारे में हमको बताता है मनी मल्टीप्लायर मनी मल्टीप्लायर हमको क्या बताता है tells us

डिपोजिट विल बी हाउ मेनी टाइम्स हाउ मेनी टाइम्स इनिशियल डिपोजिट्स विल बी यूज अगैन एंड अगेन हमको कौन बताता है सर ये तो साइकिल ऐसे चलती ही जाएगी सर ये वाली साइकिल तो ऐसे चलती ही जाएगी चलती ही जाएगी चलती ही जाएगी कुछ पैसा फिर लोन में दिया जाएगा फिर डिपॉजिट फिर लोन में फिर डिपॉजिट तो ये जब तक चलती जाएगी जब तक ये डिपॉजिट्स का वैल्यू जीरो नहीं हो जाता एंड ये कितनी बार में जाकर जीरो होगा कितनी बार में जाकर जीरो होगा तो वो हमको कौन बताता है वो हमको बताता है हमारा मनी मल्टीप्लायर जिसका एक फॉर्मूला होता है मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है अपॉन मनी मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करते हैं के से ठीक है मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय एल आर आर तो अगर तुमसे मनी मल्टीप्लायर का डेफिनेशन भी पूछा जाए तो तुम सिंपल लिख देना इट इज द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ लीगल रिजर्व रेशियो उसी को मल्टीप्लायर मनी मल्टीप्लायर कहा जाता है ठीक है सर वन अपॉन एल आर आर मुझे समझ आ गया तो ना और आपने एक चीज और बताई थी एल आर आर अल्टीमेटली होता क्या है वट इज लीगल रिजर्व रेशियो वो लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो दोनों का ही मिक्सचर होता है तो हम इसका दूसरा फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं वन अपॉन सी आर आर प्लस एस एल आर ठीक है सर और सर क्या होगा हमारे को ना जैसे एक क्वेश्चन आया एक क्वेश्चन मान के चलते हैं जिसमें सिर्फ सी का वैल्यू दे दिया टेन परसेंट सिर्फ सी दे दिया टेन परसेंट और हमसे कहा मनी मल्टीप्लायर का वैल्यू निकालो हमसे क्वेश्चन में क्या कहा मनी मल्टीप्लायर का फाइंड के ठीक है सर मैं हो गया कंफ्यूज मेरे हो गई हालत टाइट क्योंकि आपने तो कहा था वन अपॉन एल होता है एंड यहाँ पे सी दे रखा था सिर्फ क्वेश्चन में तो ऐसे क्वेश्चन में मैं अज्यूम कर लूंगा कि मेरा एस एल आर जीरो है अगर यहां पे एस एल आर दिया होता और सी आर आर की वैल्यू नहीं होती तो मैं सी आर आर को जीरो कर लेता और सर मुझे पता है एल आर आर होता क्या है ये होता है सी आर आर प्लस एस एल आर सी आर आर है टेन एस एल आर है जीरो तो इसलिए एल आर आर का वैल्यू आ गया टेन परसेंट so, सर एल आर आर का वैल्यू टेन परसेंट यहां पर डाल देते हैं के इज इक्वल्स टू वन अपॉन टेन परसेंट परसेंटेज वैल्यू को जब डेसिमल में कन्वर्ट करा जाता है या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा जाता है तो टेन जो भी परसेंटेज वैल्यू होती है वो डिवाइडेड बाय हंड्रेड हो जाती है ये हंड्रेड इधर नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा हंड्रेड डिवाइडेड बाय टेन तो टेन टाइम्स अगर आपका मनी मल्टीप्लायर का वैल्यू पता है कितना है? आया है आपके मनी मल्टीप्लायर का वैल्यू आया है टेन टाइम्स मतलब ये आपके इनिशियल डिपॉजिट को दस गुना बढ़ा देगा मतलब सर जो आप इनिशियल डिपॉजिट दस हजार का था ना वो बारी 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 यूटिलाइज हो होकर इसका दस गुना बन जाएगा ठीक है बारी 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 बारी, बारी यूटिलाइज होकर उस दस हजार का दस गुना बन जाएगा टेन इंटू टेन थाउजेंड बन जाएगा जो कि होता है एक लाख रुपए गलत तो नहीं है ये मैंने ट्वेंटी परसेंट के हिसाब से ले रखा है ना ये तो देखो यहां पर ना एल आर आर टेन परसेंट है हमारे इधर क्वेश्चन में एल आर आर ट्वेंटी परसेंट है तो हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालते हैं टेन टाइम्स नहीं होगा ट्वेंटी परसेंट के अकॉर्डिंग अगर मैं के का वैल्यू निकालूंगा तो वन अपॉइंट ट्वेंटी परसेंट इज इक्वल्स टू वन ट्वेंटी डिवाइडेड बाय हंड्रेड डिवाइडेड बाय तो मतलब के का वैल्यू आया फाइव टाइम्स तो सर मनी मल्टीप्लायर ने हमको ये बताया मनी मल्टीप्लायर ने हमको ये बताया कि जो हमारा इनिशियल डिपॉजिट था वो एंड में जा जाकर सर कितनी साइकल्स बन रही है हमको नहीं पता कितनी बारी ये राउंड रिपीट होगा हमको नहीं पता बट हमको एक फाइनल चीज पता लग गई कि जो हमारा इनिशियल डिपॉजिट था वो घूम फिर के उसकी वैल्यू राउंड ऑफ करके एंड में उसका पांच गुना हो जाएगी दस हजार का पांच गुना इज फिफ्टी थाउजेंड ये देखो यहां पे लिख भी रखा है इसी को टोटल मनी क्रिएशन या फिर टोटल क्रेडिट क्रिएशन के नाम से भी जाना जाता है इसी को टोटल मनी क्रिएशन या टोटल क्रेडिट क्रिएशन के नाम से जाना जाता है कि कैसे हमारा दस हजार का डिपॉजिट अब इससे पता हमें क्या समझना है सर इससे हमें क्या चीज समझनी है कि कैसे वो जो दस हजार का आपका डिपॉजिट था वो बारी बारी घूम फिर के आया सेकेंडरी डिपॉजिट बना बारी बारी आया एंड वही दस हजार का डिपॉजिट बैंक के लिए कितनी बार डिपॉजिट बन के आया पांच गुना उसने उस डिपॉजिट का वैल्यू बढ़ा दिया एंड उसको पचास हजार बना दिया एंड पांच गुना मुझे कैसे पता लगा सर वन अपॉन एल आर आर करके क्योंकि ये मेरे मनी मल्टीप्लायर का वैल्यू था इसी ने बताया कि मेरा इनिशियल डिपॉजिट कितने गुना होगा ठीक है तो मेरा टोटल मनी क्रिएशन कैसे निकला सर मैंने मनी मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई कर दिया इनिशियल डिपॉजिट के साथ मनी मल्टीप्लायर का वैल्यू फाइव टाइम्स आया था फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई बाई टेन थाउजेंट इज इक्वल्स टू फिफ्टी थाउजेंट अब सर आगे चलते हैं ये तो आ गया सर पचास हजार अभी आपने चालीस कैसे निकाला तो पचास हजार का एट्टी परसेंट अगर करोगे तो आएगा फोर्टी थाउजेंट एंड पचास हजार का अगर ट्वेंटी परसेंट करोगे तो वो आएगा टेन थाउजेंट इसीलिए ट्वेंटी परसेंट एल आर आर था तो ये एल आर आर का वैल्यू भी फुल फाइव टाइम्स रिपीट हो जाएगा एंड दस हजार बन जाएगा लोन का वैल्यू भी इनिशियली कितना था आठ हजार वो भी फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई होके फोर्टी थाउजेंड हो जाएगा बस यही चीज था इसी पूरे को वर्किंग ऑफ मनी मल्टीप्लायर कहा जाता है यहां से ये यह शुरुआत हुआ है पूरी यही सारी चीजें हैं बस ये जो चीजें मैंने तुमको बोली हैं ये तुमको लिखनी है एंड वर्किंग ऑफ मनी मल्टीप्लायर ना सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा तुम खुद देख लेना इस वर्किंग ऑफ मनी मल्टीप्लायर का फोर मार्कर क्वेश्चन तुम खुद देख लेना मेरे पे अगर विश्वास नहीं है तो 2021-22, 23, 24 सारे पेपर्स उठा के देखना टोटल पांच सीबीएसई के सेट होते हैं उसमें से तीन सेट के अंदर तुमको हर बारी वर्किंग ऑफ मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला मिलेगा हमेशा मिलेगा देख लेना सर समझ सारी बात आ गई समझ अपने को क्लियर हो गया बट इसको लिखेंगे कैसे पेपर में कैसे लिख के आना है तो देख लो कैसे लिख के आओगे इधर देख लो फटाफट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन बाय दी कमर्शियल बैंक्स इसी को ही वर्किंग ऑफ मनी मल्टीप्लायर के नाम से भी जाना जाता है ठीक है क्रेडिट क्रिएशन मनी क्रिएशन बाय दी कमर्शियल बैंक्स वर्किंग ऑफ मनी मल्टीप्लायर सब यही टाइप के क्वेश्चंस है सब में सेम ही टाइप का आंसर लिखना है सबसे पहले लिखोगे इनिशियल डिपॉजिट क्या होता है सर जो मैंने पैसा डलवाया था कमर्शियल बैंक में सबसे पहले दस हजार रुपए वो इनिशियल डिपॉजिट था सर उसमें से दो हजार रुपये का जो रिजर्व रखा गया था सर उसमें से दो हजार रुपए के रिजर्व को लीगल रिजर्व रेशियो कहा जाता है उसके बाद सर आपने कहा था एक अजम्पशन जरूर लिखना तो वो अजम्पशन भी सर मैंने लिख दी उसके बाद सर आपने ना वो जो टेबल बनाई थी वही टेबल मैंने भी यहां पर बना दी देख देखो मैंने कितने अच्छे से टेबल बनाई राउंड वन राउंड थ्री सब लिखे मैंने एंड देखो इस बारी बस मैंने लीगल रिजर्व रेशियो अपना कितना ले लिया इस बारी मैंने टेन परसेंट का लीगल रिजर्व रेशियो लिया एंड ये तुमको पेपर में खुद लेना है तुमको क्योंकि वर्किंग दिखानी है ना तो लीगल रिजर्व रेशियो और इनिशियल डिपॉजिट का वैल्यू तुम खुद ले लेना अगर क्वेश्चन में, में है कि इनिशियल डिपॉजिट इज टेन एंड लीगल रिजर्व रेशियो इज ट्वेंटी परसेंट तो तुम उस हिसाब से सॉल्व करना अगर नहीं दे रखा तो तुम ये वैल्यू को अज्यूम कर लेना वही तो चीज करी वही सब कुछ हुआ एंड में जाकर ये एक हजार से दस हजार बन गया क्योंकि सर अगर आप अभी भी वैल्यू निकालोगे ना मनी मल्टीप्लायर का देखो यहां पर निकालता हूं ये रहा। ये देखो सर जब ये मनी मल्टीप्लायर का वन अपॉइंट टेन परसेंट का वैल्यू निकालोगे तो वो टेन टाइम्स निकल कर आएगा एंड सर टेन टाइम्स को जब आप हजार से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टोटल मनी क्रिएशन कितना आया सर दस हजार जिसमें से नाइंटी परसेंट होता है नौ हजार दस परसेंट का हमें रिजर्व बनाना था तो एक हजार का रिजर्व हो गया ये पूरा साइकिल हो गया अब ये पूरा जो फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड थर्ड राउंड है वो इस तरीके से लिखना है सबसे पहले लिखोगे फर्स्ट राउंड में क्या हुआ पूरी सारी डिटेल फर्स्ट राउंड की जितनी भी बातें तुमको बताई थी वो सारी बातें सेकेंड राउंड में क्या हुआ सर जो बैंक्स ने क्या लिखा देखो वही चीज हुई ना डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक आर रेज्ड बाय नाइन हंड्रेड वो जो नौ हजार रुपए हजार लोन में दिया गया था उसमें से हजार रुपये डिपोजिट आया था नौ सौ रुपए का लोन में चला गया अब सर नौ सौ रुपये का लोन में चला गया तो वो घूम फिर के वापस बैंक में आ जाएगा तो अब घूम फिर के वो पैसा वापस बैंक में आ गया फिर दोबारा से सर दस परसेंट का रिजर्व बनेगा नाइन्टी परसेंट दोबारा से लोन की फॉर्म में चला जाएगा इसी तरीके से ये साइकिल चलती रहती है पूरा तुम्हारे पास आंसर है जो चीज़ समझाया था वो तो समझाया ही था अब अगर तुम्हें ये चीज़ समझना है तो इससे पहले देखो इससे पहले मैंने पूरा वर्किंग ऑफ मनी मल्टीप्लायर समझाया थियोरेटिकली मतलब जितना मैं प्रैक्टिकल वे में समझा सकता था सारा समझा दिया बट तुम लिखोगे कैसे आंसर राइटिंग कैसे करोगे वो यहां से देख लो ठीक है ना ये रहा पहला पेज फिर टेबल बनानी है फिर जो टेबल बनाई है उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना और मैं ये नहीं कह रहा कि ये रटा रटाया आंसर लिखो तुम अपने वर्ड्स में आंसर लिखो बट थोड़ा सा सीक्वेंस इस तरीके से रखना ठीक है कि टेबल बनाई फिर सर टेबल को एक्सप्लेन करा फिर सर मनी मल्टीप्लायर या फिर सर ये आपका वैल्यू था टोटल डिमांड डिपॉजिट्स का टोटल डिमांड डिपॉजिट्स या फिर टोटल मनी क्रिएशन का डिमांड डिपॉजिट्स हटा दो इसमें से सर ये फॉर्मूला किसका था आपका टोटल मनी क्रिएशन का वन अपॉल एन आर आर इनिशियल डिपॉजिट्स तो सर वो वैल्यू आपका हजार रुपये आया था दस हजार रुपये आया था ये भी देख लो एक क्वेश्चन फटाक से इनिशियल डिपॉजिट्स हैं हजार के लेट टू अ क्रिएशन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स सर टोटल क्रिएशन कितना हुआ हजार का इनिशियल डिपॉजिट था सौ का लीगल रिजर्व रेशो का वैल्यू मांगा है सर मुझे फॉर्मूला पता है टोटल क्रिएशन का फॉर्मूला होता है टोटल क्रेडिट क्रिएशन मनी क्रिएशन का फॉर्मूला होता है वन अपॉन एल आर आर इनटू इनिशियल डिपॉजिट ठीक है सर टोटल क्रिएशन कितना है टोटल क्रिएशन है सर अपना डिवाइडेड बाय अपॉन इनिशियल डिपॉजिट कितना है सर इनिशियल डिपॉजिट है सौ अब सर ये डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई कर दो ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड कर दो एल आर आर इज इक्वल्स टू हंड्रेड अपॉन थाउजेंट टेन आया तो जीरो पॉइंट वन वैल्यू आ गया अब ये जो एल आर आर का वैल्यू है ना ये परसेंटेज में नहीं दे रखा है यहाँ पे डेसिमल्स में दे रखा है तो जीरो पॉइंट वन इज द वैल्यू ऑफ अवर लीगल रिजर्व रेशियो ऑप्शन नंबर सी सही होगा लीगल रिजर्व रेशियो यहाँ पर परसेंटेज की जगह फ्रैक्शंस में दे दिया या डेसिमल में दे रखा है ठीक है भाई चलो अब एक ये खत्म हुआ है अब जाके ना पूरा ये सब करके एंड ये बहुत जरूरी पार्ट था बहुत जरूरी ये देख लो मनी क्रिएशन और फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स खत्म हो गया है ये पूरा खत्म हो गया है अभी भी मनी और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस रहते हैं जो हम अभी पूरे करेंगे मनी और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस जो हम अभी करेंगे बस मैं पानी पी लू पानी का ब्रेक ले लूँ तुम भी कुछ ब्रेक ले लो भाई ठीक है फिर हम बार्टार सिस्टम से मनी वाले पार्ट से शुरुआत करेंगे तो भाई आगे चलते हैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है आगे चलते हैं मनी के बारे में देख लेते हैं व्हाट इज Uh, मतलब अब हमने सर कमर्शियल बैंक के ना सारी चीजें एक बार दोबारा से देख लेते हैं कमर्शियल बैंक क्या था सबसे पहले हमने देखा दो फंक्शन है डिपॉजिट्स लेता है उसके बाद उनको उन्हीं डिपॉजिट से लोन प्रोवाइड करता है सर कितने टाइप ऑफ डिपॉजिट्स थे वो भी देख लिए सेविंग्स करेंट रिक्रूविंग और फिक्स्ड सर ये सारे टाइप ऑफ डिपॉजिट्स वो ऑफर करता है कमर्शियल बैंक सर अब ये जो जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं वो सारे लोन की फॉर्म में नहीं देता कुछ अपने पास रिजर्व रखता है कुछ परसेंटेज लोन में दे देता है रिजर्व का जो रेशियो होता है वो सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है ठीक है सर इतनी बात क्लियर है आगे फिर सर ये जो होता है ना ये जो लोन दिया ये लोन घूम फिर के वापस बैंक के पास आ जाता है एंड उसको सेकेंडरी डिपॉजिट कहा जाता है जो सबसे पहले मैंने कराया दस हजार का वो प्राइमरी था फिर जो लोन का जो पैसा था वो घूम फिर के बैंक के पास आया वो सेकेंडरी डिपॉजिट के नाम से कहलाया अब ये सेकेंडरी डिपॉजिट बारी बारी ऐसे घूम फिर के आता रहता है एंड हम एक नया कंसेप्ट समझते हैं दैट इज मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स या फिर वर्किंग ऑफ मनी मल्टीप्लायर दोनों का मतलब एक ही है एंड वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो प्लीज ध्यान से लिख के भी देखना और समझ भी लेना दोनों चीजें कर लेना उसकी अब आते हैं बारटार सिस्टम पे वट तो इज बारटार सिस्टम तो जब पहले मनी नहीं आई थी नोट रोकड़ा नहीं आया था तो लोग क्या करते थे एक चीज के बदले दूसरी चीज ले लेते थे मैं जूते खरीदने हैं और मेरी दुकान है गेहूं की ठीक है तो मैं जूते वाले के पास जाऊंगा कहूंगा भाई तेरे को पांच किलो गेहूं देता हूं मुझे एक जोड़ी जूते दे दे दिस इज नोन एज कमोडिटी एक्सचेंज फॉर कमोडिटी तो उसी को बार्टार सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कहा जाता था इट रेफर्स टू डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इसको ना सी टू सी इकोनॉमी भी कहा जाता है या बार्टार इकोनॉमी भी सी टू सी मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी एक कमोडिटी दी दूसरी कमोडिटी ले ली तो दिस कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी बाद में जब पैसा आ गया नोट्स लोन छो गए नोट्स क्वाइंस ये तो कितने टाइम से देखते आ रहे हैं सर अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से नोट्स क्वाइंस ये सब चीजें हैं है ना तो जब से मनी लॉन्च हुई बारटार सिस्टम बंद हो गया बारटार सिस्टम का खात्मा हो गया अब बार्टार सिस्टम में क्या क्या गलतियां थी मनी के आने से वो कैसे गलतियां सुधर गई वो अब इस आगे देख लेते हैं मनी के बारे में पढ़कर वो क्लियर हो जाएगा मनी क्या होता है मनी के दो फंक्शंस हैं मेन और भी होते हैं इन्हीं दो फंक्शंस के नाम से मनी की डेफिनेशन भी होती है सबसे पहला फंक्शन इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज सर वो जो आप जूते के बदले गेहूं दे रहे थे अब वो करना नहीं पड़ेगा आपको जूते अगर लेने हैं तो आप उस बंदे को पैसे दो मनी दो उसके बदले में वो आपको जूता दे देगा तो इट इज यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज अगर हमें कुछ एक्सचेंज करना है कुछ सामान खरीदना या बेचना है तो उसके वो हम किस साधन की हेल्प से कर सकते हैं मनी की हेल्प से कर सकते हैं खरीदने बेचने का काम उसके अलावा सर दूसरा इसका फंक्शन है यूनिट ऑफ अकाउंट सर ये जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की आप जो बात कर रहे हो उनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू भी तो होती है ना शूज की एक पर्टिकुलर वैल्यू भी तो होगी ठीक है सर जो वो शूज आपने खरीदे उनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू भी तो होगी तीन हजार रुपये चार हजार दो हजार पांच सौ तो आपने वो उन गुड्स की जो आपके शूज थे या गुड्स एंड सर्विसेज कुछ भी होगा उनकी वैल्यू को आप कैसे मेजर करोगे तो उनकी वैल्यू को मेजर करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करा जाता है किस टर्म का इस्तेमाल करा जाता है तो मनी का इस्तेमाल करा जाता है जैसे सर हम वेट को नापने का वेट को नापने का यूनिट क्या होता है वेट को नापने का यूनिट होता है केजी हाइट को नापने का यूनिट क्या होता है हाइट को नापने का यूनिट होता है सर सेंटीमीटर उसी तरीके से आ, किसी गुड और सर्विस की वैल्यू नापने का गुड और सर्विसेज वैल्यू नापने का यूनिट क्या होगा तो वो होगा अपना करेंसी या फिर मनी ठीक है ना सर तो जब हमें गुड्स और सर्विसेज को नापना है तो हम मनी की टर्म्स में नाप सकते हैं तो यही दो फंक्शंस प्राइमरी फंक्शंस भी होते हैं मनी के एंड इसकी डेफिनेशन में भी आते हैं तो मनी में भी एनी थिंग यूनिट ऑफ अकाउंट ठीक है सर दोनों बात क्लियर है ये देखो यही आपने अभी जूते खरीदने हैं तो आप जूतों के बदले में पैसे दोगे हजार रुपए के जूते थे आपने पैसे दिए आपके पास शूज आ गए ट्रांजैक्शन खत्म यही देखो फंक्शन ऑफ मनी के बारे में आप बात करते हैं दो ही फंक्शन हैं प्राइमरी और सेकेंडरी ठीक है सर प्राइमरी फंक्शन तो ठीक है पहले आप मुझे मनी क्या होती है ये बताओ भाई जितने भी सिक्के हैं जितने भी नोट्स हैं जितने भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी करेंसी है 2022 के अंदर ना एक क्वेश्चन आया हुआ है 2022 वाले पेपर में एंड उसने ई रूपी के बारे में बात करी है कि हमारे देश ने ई रूपी नामक एक करेंसी लॉन्च करी है एंड वो क्या है दैट इज एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ करेंसी तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ करेंसी है नोट्स हैं क्वेंस हैं वो सब मनी के अंदर आते हैं मनी के प्राइमरी फंक्शन तो मैं समझ चुका मीडियम ऑफ एक्सचेंज में समझ चुका क्या होता है मेजर ऑफ वैल्यू या यूनिट ऑफ अकाउंट ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं इन दोनों का मतलब सेम है ठीक है ये और लिखा है ना तो मेजर ऑफ वैल्यू या फिर यूनिट ऑफ अकाउंट दोनों का मतलब वही है कि सर अगर मुझे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू मेजर करनी है गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू मेजर करनी है तो मैं मनी की टर्म्स में करूंगा दीज टू आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी देन व्हाट आर द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी सर सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी क्या होते हैं ये तीन होते हैं इनके बारे में डिटेल में बताता हूं डिटेल में ध्यान से आगे आ जाओ पहले तो सर ये प्राइमरी फंक्शन है अपने मनी के जो मैं आपने मुझे बता दिए है मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है समझ गए थे ना सर शूज खरीदने हैं शूज के बदले में पैसा दिया मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमें एक्सचेंज करने थे गुड्स एंड सर्विसेज मुझे बेच मुझे बाय करने थे गुड्स एंड सर्विसेज तो सर उसके बदले में मैंने क्या करा मनी दे दिया दैट्स वाई इट इज अड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इट कैन बी यूज टू मेक पेमेंट्स

सेकेंडरी फंक्शंस क्या है मनी के तो है स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट ये और एक चीज और बताता हूं जैसे मैंने बताया कि ये अपना मनी मल्टीप्लायर जो है लिख के जरूर देखना वर्किंग ऑफ मनी मल्टीप्लायर उसी तरीके से फंक्शंस ऑफ मनी जो है ना इनको लिखने की इतनी जरूरत नहीं है बट ये फंक्शंस ना किस हिसाब से पेपर में पूछे गए हैं वो बता रहा हूं तुमको वो पूछे गए हैं तुमको एक स्टेटमेंट दे देंगे कि राम परचेस्ड शूज बाई गिविंग टेन रुपीज ऐसे करके एक स्टेटमेंट दे देंगे एंड फिर कहेंगे विच फंक्शन ऑफ मनी इज डिपिक्टेड हेयर ऐसे करके क्वेश्चन आता है तो, तो अगर तुमको सारे फंक्शन याद होंगे तो तुम आराम से आइडेंटिफाई कर दोगे वन मार्क का क्वेश्चन आता है इस वाले टॉपिक से रिलेटेड ठीक है तो सर स्टोर ऑफ वैल्यू क्या है मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स दैट मनी कैन बी एक्सप्रेस टू ट्रांसफर अच्छा स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है सर अरे हम स्टोर कर सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं है अगर सर कोई एक ऐसी चीज है जिसको हम स्टोर करके रख सकते हैं जैसे एक सेब है सेब की स्टोर ऑफ वैल्यू है सर सेब को हम स्टोर करके कितने दिन रखेंगे कभी ना कभी सड़ जाएगा तो मनी में ऐसा नहीं है मनी की स्टोर ऑफ वैल्यू अच्छी है मनी को हम फ्यूचर के लिए सेव करके रख सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट क्या है डेफर्ड पेमेंट मतलब क्या होता है डेफर्ड पेमेंट मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट फ्यूचर पेमेंट या फिर इसको क्रेडिट पेमेंट भी कहा जाता है सर आप मनी से क्या कर सकते हो यह क्वेश्चन भी आया हुआ था प्रीवियस ईयर पेपर में तुमको दिखाऊंगा अभी मैं कि ऐसा बोला गया है कि शाम परचेज शाम टू का लोन फ्रॉम बैंक फॉर ओपनिंग अ बिजनेस एंड ही विल रिटर्न दैट मनी टू द बैंक आफ्टर टू ईयर ऐसे करके स्टेटमेंट थी एंड फिर बोला गया विच फंक्शन ऑफ मनी इज डिपिक्टेड हेयर तो सर जब वो राम ने पैसा लिया और वो बाद में फ्यूचर में उसकी पेमेंट करने की बात कर रहा है तो मतलब राम कि ने क्या लिया है उधार लिया है एंड वो फ्यूचर पेमेंट उसकी करेगा तो मनी की हेल्प से फ्यूचर पेमेंट पॉसिबल हो पाई क्योंकि हम आराम से मेजर कर सकते हैं कि भैया श्याम या राम जिसने भी पैसा लिया है दस हजार रुपए लिया है एंड अब उसको दस हजार रुपए बैंक को वापस करना है तो दैट्स वाई इट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मनी फैसिलिटेट्स मतलब मनी आसान करता है ट्रांजेक्शन वेयर पेमेंट्स आर मेड एट अ लेटर डेट लेटर मतलब बाद के टाइम पर अगर मनी की पेमेंट करनी है बाद बाद के टाइम पर अगर हमें कुछ हमें चीज ली हमने कोई चीज ली या तो मैंने ऐसे बोल दिया आई टुक शूज फ्रॉम मैंने uh, किससे मैंने गीता से शूज खरीदे एंड आई विल पे हिम आई विल पे हर लेटर तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन ऑफ मनी है सर आप पे हर लेटर की बात कर रहे हो तो मतलब आप फ्यूचर पेमेंट की बात कर रहे हो आपने उधार लिया है तो वो कौन सा फंक्शन ऑफ मनी हुआ मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट हुआ क्योंकि आप लेटर डेट में देने की पैसे की बात कर रहे हो ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू बहुत आसान सर आप दिल्ली में बैठे हो आप दिल्ली में बैठ के आराम से चेन्नई में पैसा मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो पहले तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र नहीं था तो तब हम सर बैंक ट्रांसफ़र कर सकते थे बट सर आज के टाइम पर तो इतनी सहूलियत है कि मैं यूं फ़ोन निकाला पेटीएम खोला फ़ोनपे खोला और सर कहीं भी वर्ल्ड में कहीं भी ट्रांजेक्शन कर सकता हूं तो मनी इज यूज एज अ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू मेजर प्राइमरी फंक्शंस क्या थे मीडियम ऑफ एक्सचेंज और स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज और यूनिट ऑफ अकाउंट ठीक है कि उसको हम किसी uh, किसी चीज गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू लगानी है तो हम किसकी टर्म्स में वैल्यू लगाएंगे मनी की टर्म्स में सर तो ये दोनों थे प्राइमरी फंक्शन सेकेंडरी फंक्शन क्या थे एक तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू उसके अलावा स्टोर ऑफ वैल्यू मनी को स्टोर कर सकते हैं मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं एंड मनी को फ्यूचर पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर पेमेंट के लिए एक वर्ड होता है डेफर्ड पेमेंट ठीक है देवियों सजनो अब देखो सर आपने कहा था ये बार्टार सिस्टम की कुछ कमियां थी तो बार्टार सिस्टम की जो भी कमियां थी फंक्शन ऑफ मनी ने ना सॉल्व ऑल दोज प्रॉब्लम्स फंक्शन ऑफ मनी ने इन सारी परेशानियां इन सारे जो लिमिटेशन थी बार सिस्टम की जब हमें कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनमी थी कि भैया मैंने अगर दूध खरीदना है तो उसके बदले में गेहूं देना पड़ेगा तो इन सब की जो भी कमियां थी वो सब फंक्शन ऑफ मनी ने मनी ने वो सारी कमियां दूर कर दी सबसे पहली लिमिटेशन क्या थी कि इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होना चाहिए था डबल कोइंसिडेंस ऑफ मतलब अब मैं जिस बंदे से दूध लेने जा रहा हूं उसको भी मेरा बनाया हुआ गेहूं चाहिए तो अब मुझे ऐसा दूध वाला ढूंढना पड़ेगा जिसको गेहूं की जरूरत हो अब सोचो भैया मुझे तो दूध की प्यास लग रही है अब मैं पूरी दुनिया में मतलब पूरे अपने शहर में ऐसा दूध वाला ढूंढ रहा हूं जिसको गेहूं चाहिए हो ठीक है ना तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ड्स ढूंढना बहुत मुश्किल था एंड ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ड्स का लैक था कमी थी बार्टार सिस्टम में जो मनी ने कैसे दूर करी बिकॉज मनी यूज एज अनी यूज एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करा गया एंड ये जो भी कमी थी लैक ऑफ डबल coincidence ऑफ बॉन्ड्स की इसको दूर कर दिया गया लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू सर मेजर ऑफ वैल्यू की कमी सर हम जो गुड्स हमें ट्रांजैक्शन करनी होती थी उसमें वैल्यू को मेजर नहीं कर पाते थे उस कमी को भी दूर कर दिया हमारी मनी ने उसके अलावा लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू अगर मैं सेव का काम था तो मैं सेव को स्टोर कैसे करके रखूंगा तो अब मनी को तो सर जितना मर्जी स्टोर कर सकते हैं डेफर्ड पेमेंट में दिक्कत आती थी बट मनी में वो दिक्कत भी दूर हो गई ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में दिक्कत आती थी बट वो वाली दिक्कत भी दूर हो गई जितनी भी बारटार सिस्टम की कमियां थी वो हमारी मनी ने लॉन्च होकर दूर कर दी जैसे ही मनी लॉन्च हुई वैसे ही बारटार सिस्टम फुर हो गया हम्म अब क्या कराएं ये देखो कुछ क्वेश्चन भी हैं इसी से रिलेटेड ये भी देख लो एक बारी द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इसी हिसाब से देखो पेपर में भी पूछा जाता है ये सैंपल क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है ये भी 2023-24 का ही सैंपल पेपर था एंड इसमें भी पूछा गया है एंड अपने पेपर में भी पूछा गया है 2024 के पेपर में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आया है अपने फंक्शंस ऑफ मनी से वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेसड इन मोनिट्री टर्म्स जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है सर वो मोनिट्री टर्म्स में मेजर कर सकते हैं वैल्यू वर्ड आ गया मतलब सर यह कौन सा फंक्शन है मेजर ऑफ वैल्यू मेजर ऑफ वैल्यू वाला फंक्शन है एंड इसको एक नाम और से जाना जाता है यूनिट ऑफ अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है तो यूनिट ऑफ अकाउंट ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है सर अगला क्वेश्चन सर रीड द इमेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो इन चारों ऑल्टरनेटिव में से सही ऑल्टरनेटिव चुनना है सर फंक्शन ऑफ मनी क्या है फंक्शन ऑफ मनी सर मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है स्टोर ऑफ वैल्यू होता है उसके अलावा ये लैक ऑफ डिविजिबिलिटी कभी नहीं सुना नहीं सुना नहीं सुना तो यही सही होगा लैक ऑफ डिविजिबिलिटी हमने सुना ही नहीं पांच फंक्शंस बताए उस पांचों में ये नहीं था तो इसीलिए सर यही सही आंसर होगा सेकंड मतलब यूनिट ऑफ अकाउंट एक होता है जिसको मेजर ऑफ वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट या फिर स्टैंडर्ड ऑफ फ्यूचर पेमेंट भी एक फंक्शन है ये भी बताओ फॉर वट रीजन मनी इज यूज प्राइमरली इन द इकोनमी इस कारण की वजह से मनी प्राइमरीली यूज करी जाती थी तो सर इसमें ना ये सिर्फ वर्ड्स कंफ्यूज करने के लिए है हमसे सिर्फ क्वेश्चन में प्राइमरी फंक्शन पूछा गया है मनी का प्राइमरी फंक्शन पूछा गया है हमसे इस क्वेश्चन में वट वॉज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी एक तो मेजर ऑफ वैल्यू और मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोथ ए एंड सी हमारा सही उत्तर होगा स्वर ठीक अब 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 ये भी बता देते हैं गाइस छोटा सा टॉपिक है फटाफट बताऊंगा पेपर में बहुत कम आया हुआ है बट आया भी है तो एमसीक्यू में आया है तो इसको डेफिनेशन वाइज नहीं कंसेप्ट वाइज समझ के जाना कि मनी कितने टाइप की होती है जैसे बैंक अकाउंट्स कितने टाइप के थे चार अकाउंट्स के वो भी इतना इंपॉर्टेंट था वहां पर भी हमें सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस ही देखने को मिलते हैं तो उसको उतने ही हिसाब से करना टाइप्स ऑफ मनी में भी एमसीक्यू क्वेश्चंस ही देखने को मिलते हैं तो इसको भी उसी हिसाब से करना ज्यादा डीप इनकी स्टडी मत करना बट ये है कि भैया अगर जितने भी टाइप्स ऑफ मनी है तुमको पता होने चाहिए तो क्वेश्चन आता है बट डीपली नहीं पूछा जाता कहने का मतलब ये अब चलो आगे चलते हैं यहां पर इस वाली फिगर में मैं तुमको दो टाइप्स ऑफ मनी के बारे में बताने वाला हूं वन इज पी मनी सेकंड वन इज लीगल टेंडर मनी पी मनी कौन सी मनी है जो भी सरकार या फिर आरबीआई के द्वारा इशू करी गई है ठीक है सरकार और आरबीआई के द्वारा इशू करी गई करेंसी पैसा दस रुपए का नोट बीस रुपए का नोट पचास रुपए का नोट सौ रुपए का नोट पांच सौ रुपए का नोट यहां तक कि हमारा दो हजार रुपए का नोट भी अगर तुम्हें अभी पता हो तो दो हजार नोट दो हजार का नोट अभी हमारे देश में बंद हो गया है दो हजार का नोट नहीं चलता बट वो इशू किसने करा था हमारी केंद्रीय सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट और आर ने मिलकर मतलब आर ने ही इशू करा था तो सर ये सारी जो भी करेंसी आरबीआई या सरकार के द्वारा इशू करी जाती है वो एट मनी कहलाती है सर जब इसमें एक कंडीशन और जुड़ जाए सर इसमें ना ये सारे आ जाते हैं फीएट मनी में ये सारे आ जाते हैं नोट्स इलेक्ट्रॉनिक करेंसी सर जब फीएट मनी के फीचर्स के अंदर एक फीचर और जुड़ जाए कि इट कैन नॉट बी रिफ्यूज बाय एनी वन आरबीआई ने तो इशू करा बट जब आरबीआई ये लिख दे कि इट कैन नॉट बी रिफ्यूज बाय एनी कि तुम किसी को भी ये नोट पकड़ाओ तो कोई मना नहीं कर सकता कि भाई मैं नहीं ले रहा पांच सौ रुपए का नोट छुट्टा नहीं है वो नहीं है ये आरबीआई के नॉर्म्स के खिलाफ है आरबीआई कहता है कि तुम जो भी नोट दोगे वो दूसरे बंदे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर वो मैंने इशू करा है तो तो अगर बैंक के द्वारा इशू करा गया नोट एंड उस उसमें यह चीज लिखी हो इट कैन नॉट बी रिफ्यूज बाई एनी तो सर उसको लीगल टेंडर मनी के नाम से जाना जाता है तो मतलब लीगल टेंडर मनी कौन सी आरबीआई के द्वारा इशू करी गई ऐसी करंसी जिस पे एक वर्ड इट कैन नॉट बी रिफ्यूज बाई एनी वन तो इसीलिए इसमें कौन कौन सी आ गए दस बीस पचास सौ दो सौ पांच सौ सर दो हजार क्यों उड़ा दिया आपने इसमें से तो मेरे भाइयों बहनों दो हजार अब लीगल टेंडर नहीं रहा उस नोट को सरकार ने डिसकंटिन्यू कर दिया है सर इशू तो करा था ना तो इसीलिए फीएट मनी का वो पार्ट होगा बट लीगल टेंडर का पार्ट नहीं होगा बिकॉज अब अब जो उस उसमें एक वर्ड लिखा था कैन नॉट बी रिफ्यूज बाई एनी वो मिटा दिया है हमारी आर ने क्योंकि उस नोट को ही डिसकंटिन्यू कर दिया है ठीक है ना तो इसीलिए लीगल टेंडर मनी फीएट मनी में एक चीज ऐड हो जाती है कि इट कैन नॉट बी रिफ्यूज बाय एनी तो उसको लीगल टेंडर मनी बोलते हैं यही देखो फी मनी की अगर तुम्हें डेफिनेशन देखनी है जो आपने बोला जो मैंने चीज बोली है वही यहाँ पे लिखी है टाइप ऑफ करेंसी दैट इज इन फॉर्म ऑफ नोट्स और इलेक्ट्रॉनिक करेंसीगली बैग्ड और इशूड बाई दवर्मेंट एंड आर बी आई आर बी आई और गवर्नमेंट के द्वारा इशू और बैक्ड हो उसको फी मनी बोलते हैं लीगल टेंडर में यही सेम इट इज द टाइप ऑफ करेंसी दैट इज इन फॉर्म ऑफ क्वाइंस नोट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक करेंसी विच इज लीगली बैग्ड एंड इशूड बाई द गवर्नमेंट एंड आर बी आई ठीक है सर ये तो सारी फी मनी के फीचर्स आ गए साथ ही साथ इसमें क्या आ गया इट कैन नॉट बी रिफ्यूज टू बी एक्सेप्टेड बाई एनी वन विद इन दूरिस्डिक्शन ऑफ द गवर्नमेंट मतलब जहां तक सरकार के हाथ जाएंगे वहां तक कोई भी इस मनी को मना नहीं कर सकता पी मनी में सारे एग्जाम्पल्स तुमको बता दिए सारे 2000 ये सारे नोट्स पी मनी के हैं बट जो अब डिसकंटिन्यूड नोट है सरकार का वो लीगल टेंडर में नहीं आता जैसे कि दो हजार का नोट हजार का नोट ये सब सरकार ने डिसकंटिन्यू कर दिया है तो वो अब लीगल टेंडर मनी का पार्ट नहीं रहे इसके अलावा फिड्यूशरी मनी भी होती है अरे सर ये जितने भी हमारे चेक्स बैंक्स ड्राफ्ट ये होते हैं ना ये सब फिड्यूशरी मनी के अंदर आते हैं इसको बैंक इसको ना फिड्यूशरी मनी को हमारा आरबीआई या फिर हमारी गवर्नमेंट इशू नहीं करती इसको आरबीआई इशू नहीं करता ये सिर्फ दो लोगों के ट्रस्ट के बेसिस पे चलती है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट कोई गवर्नमेंट या आरबीआई ने इशू नहीं करा यह सिर्फ दो लोगों के ट्रस्ट के बेसिस पे चलती है जैसे कि एग्जाम्पल समझ लो ये जो हमारे चेक्स होते हैं बैंक ड्राफ्ट होते हैं जो बैंक इशू करता है उनको कमर्शियल बैंक इशू कर रहा है ना कि सेंट्रल बैंक ठीक है ना तो वो फिड्यूशरी मनी का पार्ट होते हैं हाई पावर्ड मनी एक छोटा सा टॉपिक है जो कभी कभी पूछ लिया जाता है स्टेट बोर्ड वालों में स्पेसिफिकली सीबीएसई वालों में थोड़ा कम पूछा गया है तो स्टेट बोर्ड वाले सुन लेना और बस इतना ही सुन लो तो इतना ही बहुत है तुम्हारे लिए कि हाई पावर्ड मनी होती है लीगल टेंडर मनी के सारे फीचर्स प्लस रिजर्व्स विद आरबीआई तो हमने रिजर्व पढ़े थे ना आरबीआई के पास कौन सा रिजर्व था सर आरबीआई के पास एक रिजर्व था कैश रिजर्व रेशियो उसके अलावा और भी बहुत सारे रिजर्व होते हैं आरबीआई के पास तो जितने भी रिजर्व और लीगल टेंडर मनी है वो सब मिला जुलाकर हाई पावर्ड मनी बनाती है देखो यही लिखा है इसका एक नाम होता है जो बहुत ज्यादा एमसीक्यू में पूछा जाता है मोनिट्री बेस किसको बोला जाता है या मोनिट्री रिजर्व्स किसको बोला जाता है तो हाई पावर्ड मनी को मॉनेटरी वे से मॉनेटरी रिजर्व कहा जाता है ठीक है इज क्रिएटेड बाय द सेंट्रल बैंक इट इंक्लूड्स देखो यहां से लिखा है इसके अंदर क्या होता है डिमांड डिमांडिट एज वेल एज मॉनेटरी रिजर्व विद दर बी ठीक है जितने भी डिमांड डिपॉजिट है डिमांड डिपोजिट यही तो होंगे सर कौन से होंगे डिमांड डिपोजिट जो हमारी लीगल टेंडर मनी है हम बैंक के अंदर कौन सा पैसा डलवा सकते हैं सर सौ दो सौ पांच सौ ये सारे नोट्स डलवा सकते हैं हम ठीक है जो अभी लीगल टेंडर में है तो इसीलिए डिमांड डिपॉजिट्स और रिजर्व्स विद आरबीआई ये दोनों मिलाकर अपना हाई पावर्ड मनी के अंदर आते हैं बस भाई यही थे टाइप्स ऑफ मनी टाइप्स ऑफ मनी भी हो गया अब अब ना एक कंसेप्ट और रह गया सर यहाँ तक अपना हो गया है कहाँ तक पहुंच गया भाई सर ये मनी वाला पोर्शन भी खत्म हो गया है इसमें एक चीज रहता है छोटा सा जो अभी करा दूंगा इसमें एक चीज मनी सप्लाई रहता है अदरवाइज हमने मनी फंक्शंस ऑफ मनी बारटार सिस्टम लिमिटेशंस ऑफ बारटार सिस्टम सब कर लिया है ठीक है सर तो अब देख लो आगे देख लो बिल्कुल देखेंगे आगे मनी सप्लाई क्या है अब ये मनी सप्लाई एक छोटा सा टॉपिक रह गया था ना मनी सप्लाई कुछ नहीं है जितना भी पैसा जनरल पब्लिक के पास है जर्नल पब्लिक में कौन हो तुम हो, मतलब तुम हो मैं हूँ तुम्हारे पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स सब जर्नल पब्लिक के अंदर आते हैं जो पैसा बैंकिंग सिस्टम के पास हो जाता है ना जैसे जो बैंक का पैसा है या सरकार का पैसा है वो मनी सप्लाई के अंदर नहीं आएगा हमें जो मनी सप्लाई पढ़ना है हमें जो मनी सप्लाई हमारे कोर्स में है उसमें सिर्फ जो मनी सप्लाई है वो है मनी सप्लाई विद दी मनी हेल्ड बाय दी जर्नल पब्लिक जो जनरल पब्लिक का पैसा है वही मनी सप्लाई के अंडर आएगा जो हमें पढ़नी है रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी अब ना एक वर्ड होता है हम ना नेशनल इनकम में पढ़ेंगे वैसे तो ये स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल नेशनल इनकम में पढ़ेंगे बट नेशनल इनकम तक अभी देख लेंगे बट ना ये देखो इसमें साफ साफ लिखा है स्टॉक ऑफ मनी तो इसीलिए ना ये मनी सप्लाई ना हमेशा याद रखना मनी सप्लाई इज अ स्टॉक वेरिएबल यार ये ना बहुत ज्यादा फेवरेट है पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूं वैसे तो नेशनल इनकम का ही पार्ट हुआ बट हम मनी सप्लाई तो इस चैप्टर में भी पढ़ रहे हैं ना तो इसके नाम में ही लिखा है स्टॉक ऑफ मनी इसीलिए मनी सप्लाई इज अ स्टॉक वेरिएबल हेल्प बाई दीपल ऑफ द कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है सर मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई मनी सप्लाई मेजर कैसे होती है तो एम वन मेजर होता है एम टू एम थ्री एम फोर ये सारे हमारे कोर्स में नहीं है एम टू एम थ्री एम फोर नॉट इन सिलेबस ना ही सिलेबस में है सी के और ना ही एनसीआर की किताब में है ठीक है हमारे सिलेबस में क्या है एम वन मेजर एम वन मेजर में क्या है जितना भी जनरल पब्लिक के पास पैसा होगा सीसी मतलब करेंसी जितना भी करेंसी उनके पास होगा करेंसी समझ रहे हो ना जितने भी नोट क्वाइंस जनरल पब्लिक के पास है दूसरा चीज और क्या सर जितना भी डिमांड डिपॉजिट्स डिमांड डिपॉजिट्स हमको पता है डी डी इज वट डिमांड डिपॉजिट्स मतलब सर जितना भी सेविंग्स एंड करंट खातों में पैसा होगा जितना भी सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट में पैसा होगा किसका जर्नल पब्लिक का जर्नल पब्लिक का जितना पैसा सेविंग्स और करंट अकाउंट में होगा जनरल पब्लिक का जितना पैसा उनके पास करेंसी की फॉर्म में होगा नोट सिक्कों की फॉर्म में होगा एंड देयर आर अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई एज वेल कुछ छुटपुट डिपॉजिट्स और होते हैं आरबीआई के वो भी हमारे एम वन मेजर ऑफ मनी सप्लाई के अंदर आते हैं एम वन मेजर ऑफ मनी सप्लाई में करेंसी विद दी जर्नल पब्लिक डिमांड डिपॉजिट्स विद दी जर्नल पब्लिक डिमांड डिपॉजिट्स में सेविंग और करंट अकाउंट आते हैं अदर डिपॉजिट्स विद आर बी ये सारी चीजें सर हमारा मनी सप्लाई का पार्ट होता है ठीक है बस अब ये मनी वाला पोर्शन सारा खत्म मनी फंक्शन ऑफ मनी मनी सप्लाई सब खत्म बस इतना ही था मनी का सफर हमारा अब हम अगले सफर की ओर चलेंगे अगला सफर चालू करेंगे हमारा सेंट्रल बैंक क्या है हमारे देश का हमारे देश का केंद्रीय बैंक हमारे देश का केंद्रीय बैंक क्या है मेरे भाइयों बहनों अगर बता दो तो मज़ा आ जाए हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक है केंद्रीय बैंक जो हमारा सेंट्रल बैंक है ठीक है ना गाइस वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले ही बता दिया है अब देख लो हमारा सत्तर प्रतिशत क्लास खत्म हो गई है सर क्वेश्चन क्यों नहीं ला रहे तो एक बार ही मेरे भाइयों बहनों मैं ना सारे टॉपिक्स करा दूं ठीक है क्योंकि तो छोटा सा चैप्टर है अभी खत्म होने वाला है बीस पच्चीस मिनट में इसको खत्म कर दूंगा बस ये खत्म हो जाए ना फिर उसके बाद तुम्हारे को सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगा एंड तुम खुद देख लेना कि जो भी हमारा एक घंटे पचास मिनट जितनी भी सारी चीज़ें सर ने बताई क्या उसी में से पेपर में आ रहा है मैं तो दो और चौबीस के क्वेश्चन दिखाऊंगा तुम 2021 और 22 के भी देख लेना भले ही जाके देख लेना कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें बाहर से लगेगा ठीक है तो प्लीज़ ये वन शॉट में बहुत मेहनत कर रहा हूं तुम भी उतने एफर्ट्स डालना पढ़ाई में कि भैया इतना मैं पढ़ा रहा हूं कि दो घंटे की वीडियो एटलीस्ट तुम देख लो स्क्रीन शॉट्स सेव से कर लो या फिर अपने पास लिख के देख लो लिखने से बेटर कुछ नहीं होता मेरी नॉलेज में और वन शॉट अगर देख रहे हो दो घंटे का भी वीडियो है तो भाई तुम दो तीन घंटे और एक्स्ट्रा लगा के खुद से लिख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा सारा भी खुद से नहीं लिखना तो एटलीस्ट जो पोर्शन लिखने वाला है जैसे वर्किंग ऑफ मनी मल्टीप्लायर है अभी और भी क्वेश्चन आएंगे जो मैं तुमको बताऊंगा लिखने हैं वो प्लीज लिख लिख के खुद भी प्रैक्टिस करना फंक्शन ऑफ मनी बहुत सारे हैं बहुत सारे एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब समझ लो वेरी 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 इंपॉर्टेंट अभी तक मैंने वेरी 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 इंपॉर्टेंट कहाँ लिखवाया है एक तो लिखवाया मनी मल्टीप्लायर पे और एक फंक्शन ऑफ मनी पे फंक्शन ऑफ मनी का भी एक ये लास्ट वाला जो है ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है बट ये है कि ये सारे इंपॉर्टेंट है समझ लो कि फंक्शन ऑफ मनी ही बहुत इंपॉर्टेंट है तो मतलब अगर मनी एंड बैंकिंग पढ़ोगे तो मनी मल्टीप्लायर और फंक्शन ऑफ मनी बिल्कुल मत भूलना और चीज़ें तो करनी ही करनी है बट ये दो सबसे जरूरी चीज़ें हैं प्रीवियस ईयर पेपर में भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं इनसे करेंसी अथॉरिटी सर सबसे पहली चीज ही सेंट्रल बैंक का फंक्शन क्या होता है इट इज द करेंसी अथॉरिटी करेंसी इशू करने का काम इसका होता है अब इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे अभी तक कोई भी फंक्शन हमने ऐसा डिटेल में नहीं पढ़ा बट ये वाला फंक्शन ये सारे फंक्शन हमें डिटेल में पढ़ने हैं क्योंकि तो ये आते हैं सीधा सीधा आ जाता है तीन मार्क्स का क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू फंक्शन ऑफ दी सेंट्रल बैंक सीधा तीन नंबर का आ जाएगा तो तीन नंबर का लिखना भी तो आना चाहिए ना सर हमें तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ाई करेंगे करेंसी अथॉरिटी मतलब नाम से ही पता लग रहा है करेंसी इशू करने का जो काम है वो हमारे सेंट्रल बैंक का है करेंसी सारी करेंसी इशू करता है ठीक है सारी करेंसी इशू करता है सिर्फ वन रुपी के जो नोट्स एंड क्वेंस होते हैं ना वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है एक रुपए के नोट्स एंड कॉइन सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है देखो इसके पास लीगल राइट right है करेंसी इशू करने का सोल ऑफ़ इशूइंग करंसी इन द कंट्री बस एक एक रुपए का सिक्के और नोट के कॉइन के अलावा सारी इशू यही करता है करेंसी हमारा आर ठीक है बैंक ऑफ इशू कौन करता है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर ये इशू कैसे करता है ऐसा तो नहीं होता कि गवर्नमेंट ने इसको ऑर्डर दिया कि दो करोड़ रुपए या दो सौ करोड़ रुपए के नोट्स इशू कर दो तो ये इशू कर देगा ऐसे नहीं करता भाई ऐसे तो कभी दिक्कत ही नहीं आएगी परेशानी ही नहीं आएगी नोट्स ही नोट, नोट छपते जाएंगे ऐसा नहीं होता इसके पास रिजर्व रखवाया जाता है सरकार इसके पास रिजर्व रखवाती है सरकार इसके पास दो सौ करोड़ रुपए की ज्वेलरी देती है दस दो सौ करोड़ रुपए का गोल्ड देती है एंड इन रिटर्न ये दो सौ करोड़ रुपए की करेंसी इशू करके सरकार को देता है जो मार्केट में सर्कुलेट होती है ठीक है ना तो इसी तरीके से करेंसी अथॉरिटी यही होती है देखो द सेंट्रल बैंक इशूज वैल्यू ऑफ द करेंसी कितनी वैल्यू ऑफ करेंसी इशू करता है विच इज इक्वल टू इट्स रिजर्व ऑफ गोल्ड एंड फॉरन सिक्योरिटीज जितने उसके पास गोल्ड और फॉरन सिक्योरिटीज मतलब फॉरेन करेंसी होगी उतना ही वो नोट्स इशू करेगा उतना ही करेंसी इशू करेगा आरबीआई सारे नोट्स एंड कॉइन्स इशू करता है दो रुपए या उससे ज्यादा वाले क्योंकि एक रुपए का तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है इसको करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू फंक्शन ऑफ दी सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है सेकंड फंक्शन आता है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर बैंकर्स का बैंक और सुपरवाइजर मतलब हमारे कौन से बैंक की बात कर रहा है ये कमर्शियल बैंक की बात कर रहा है मतलब सेंट्रल बैंक क्या होता है ये कमर्शियल बैंकों का बैंक है ये हमारे चाचा का भी चाचा है तो बैंकों का बैंक एंड सुपरवाइजर उनको सुपरवाइज भी करता है एडवाइस भी देता है तो यही सीन है सर बैंक हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता था डिपॉजिट और लोन की मतलब हम बैंक में जाके डिपॉजिट करा सकते थे और लोन ले सकते थे और वही फैसिलिटीज ये सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को प्रोवाइड करता है तो एच डी एफ सी बैंक एक कमर्शियल बैंक है वो अपना बैंक अकाउंट भी खुलवा सकता है वो अपने डिपॉजिट्स रख सकता है सेंट्रल बैंक के अंदर एंड अगर उसे चाहिए तो वो वहां से जाके सेंट्रल बैंक से लोन भी ले सकता है ठीक है तो बैंकर्स बैंक bank का मतलब यही है कि सेंट्रल बैंक इज द बैंक ऑफ कमर्शियल बैंक एज इट एक्सेप्ट डिपोजिट्स ऑफ बैंक क्योंकि ये कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है एंड प्रोवाइड लोन्स टू दी कमर्शियल बैंक और कमर्शियल बैंक्स को लोन्स भी प्रोवाइड करता है सुपरवाइजर का मतलब क्या है एडवाइस भी देता है सेंट्रल बैंक हमारे कमर्शियल बैंक को एडवाइस भी देता है कि अच्छा भाई वो प्रोजेक्ट अच्छा है सरकार का वो प्रोजेक्ट अच्छा है वहां पर पैसा लगा सकते हो तुमको तो प्रॉफिट हो सकता है तो भाई कमर्शियल बैंक के पास तो पैसा होता ही है तो इस एडवाइस की हेल्प से इस सुपरविजन की हेल्प से कमर्शियल बैंक्स की हेल्प करता है हमारा सेंट्रल बैंक वही चीज यहां पे लिखी है सुपरवाइजर ऑफ कमर्शियल बैंक एज इट गाइड्स दी कमर्शियल बैंक्स अबाउट अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल्सो अवेयर देम अबाउट फ्यूचर थ्रेट कोई फ्यूचर कुछ थ्रेट मतलब कुछ ऐसा डिजास्टर होने वाला है कुछ इकोनॉमिकल डिजास्टर होने वाला है उनके बारे में भी पहले ही इन्फॉर्म कर देता है एंड कुछ अपॉर्चुनिटी होती है तो उसके बारे में भी बता देता है हमारे कमर्शियल बैंक्स को यह था सर कौन सा सेकेंड फंक्शन था दिस वॉज द फर्स्ट फंक्शन लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड फंक्शन गवर्नमेंट्स बैंक एजेंट एंड एडवाइजर गवर्नमेंट का बैंक एजेंट एंड गवर्नमेंट का एडवाइजर ये देखो ये सारी चीजें लिखी है तुम अपनी लैंग्वेज में लिख लो मेरे को कोई इश्यू नहीं है बट एटलीस्ट इन सबके दो दो तीन तीन, तीन पॉइंटर्स याद करके चलना अब बैंकर्स जैसे बैंकर का बैंक था उसी तरीके से गवर्नमेंट का भी बैंक है गवर्नमेंट का बैंक कैसे गवर्नमेंट का बैंक कैसे सर गवर्नमेंट को अगर अपना बैंक में मतलब कुछ डिपॉजिट करना है पैसा डिपॉजिट करना है हमारी मध्य प्रदेश सरकार है उसको कोई डिपॉजिट करना है तो वो कहाँ डिपॉजिट कर सकती है सेंट्रल बैंक के अंदर जाके डिपॉजिट कर सकती है कहीं से लोन लेना है मध्य प्रदेश सरकार को तो सेंट्रल बैंक से जाके लोन ले सकती है तो ये अलग अलग सरकारों का केंद्रीय सरकार हो या राज्य सरकार हो सबका जाके उनको बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है देखो यही लिखा है बैंकर गवर्नमेंट इट डिपोजिट ऑफ दी गवर्नमेंट एंड प्रोवाइड्स लोन टू गवर्नमेंट ठीक है ये आगे वाली चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है यहां तक भी देख लोगे तो बहुत है ठीक है आगे वाली चीज मत भी लिखना कोई दिक्कत नहीं है वो कह रहा है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के जितने भी होते हैं ना जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके सबके अकाउंट सेंट्रल बैंक में खुले होते हैं एजेंट का मतलब क्या है एजेंट का मतलब कि भैया दो लोगों के बीच की अगर ट्रांजेक्शन है दो गवर्नमेंट्स के बीच की ट्रांजेक्शन है मध्य प्रदेश सरकार और यूपी सरकार के बीच की अगर कोई ट्रांजेक्शन है दोनों के बीच में कुछ ट्रांजेक्शन होनी है तो उस ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करने का काम उन दोनों के बीच का बिचौलिया बनने का काम मिडियोकर बनने का काम किसका है वो भी हमारे एजेंट सेंट्रल बैंक का है ठीक है एक्ट एज द एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट एज इट प्रोवाइड वेरियस एजेंसी सर्विस टू द गवर्नमेंट लाइक सेंट्रल बैंक मैनेजेस पब्लिक डेट्स मेक पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ठीक है ना अगर मध्य प्रदेश सरकार को यूपी सरकार को कुछ पेमेंट देनी है तो सेंट्रल बैंक कहता है चलो मैं पेमेंट दे देता हूं अभी बाद में मुझे वापस कर देना या जो भी होगा मैं तुम्हारे अकाउंट से बैलेंस कर दूंगा ठीक है ना तो दो सरकारों के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन है उसको फेसिलिटेट करने का काम उनको दोनों ट्रांजेक्शन को स्मूदली करवाने का काम किसका होता है एजेंट का एजेंट कौन है सेंट्रल ओ अपना सेंट्रल बैंक तो बैंकर्स गवर्नमेंट का बैंक भी है गवर्नमेंट का एजेंट भी है एंड थर्ड इज गवर्नमेंट का एडवाइजर भी है जिस तरीके से अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बारे में सेंट्रल बैंक हमारे कमर्शियल बैंक्स को बता रहा था उसी तरीके से कोई अपॉर्चुनिटी के बारे में हमारी इकोनॉमी के स्टेट के बारे में कि हमारी इकोनॉमी कैसी चल रही है खराब है नहीं है हमें इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में इस करने की जरूरत है या नहीं है उस सब के बारे में अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बारे में सेंट्रल बैंक एडवाइस देता है हमारी गवर्नमेंट को भी ठीक है तो एडवाइस किस किस को देता है कमर्शियल बैंक को भी देता है सरकार को भी देता है गवर्नमेंट को भी देता है बैंकर्स बैंक bank भी है मतलब बैंकिंग सर्विसेज कमर्शियल बैंक्स को भी देता है और गवर्नमेंट को भी देता है बट ये जो एजेंट वाली फैसिलिटी है एजेंट वाली फैसिलिटी ये कमर्शियल बैंक के साथ भी करता है जो ये दो दो कमर्शियल बैंक के बीच की ट्रांजेक्शन है ना वो वहां पर भी फैसिलिटेशन लेके आता है उसमें भी आसानियत लेके आता है बट वो एक दूसरे फंक्शन में मैंशनड है तुम खुद देख लेना अभी डर ऑफ लास्ट रिजोर्ट दिस इज दी कौन सा है सर ये अपना फोर्थ फंक्शन है लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट कोई कमर्शियल बैंक है येस yes, बैंक हो गया देना बैंक हो गया ये कुछ छोटे बैंक है इनको जर्नली अगर लोन का रिक्वायरमेंट होता है तो देखो हमने कहा कि सर लोन की फैसिलिटीज कमर्शियल बैंक को प्रोवाइड करता है बट ना जब कहीं से भी लोन का फैसिलिटीज अपॉर्चुनिटीज लोन का फैसिलिटी कमर्शियल बैंक्स को नहीं मिलता तो कमर्शियल बैंक सबसे लास्ट में कहा दरवाजा खटखटाते हैं वो खटखटाते हैं सेंट्रल बैंक के पास एंड वो इन दैट केस लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट बन के आता है वो आखिरी आदमी बन के आता है जो उस कमर्शियल बैंक की हेल्प करता है देखो यही यहाँ पे लिखा है एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट सेंट्रल बैंक गिव लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स इन टाइम ऑफ लिक्विडिटी क्राइसिस फंसा हुआ है लिक्विडिटी क्राइसिस हो रखा है लिक्विडिटी क्राइसिस क्या है कि सर बैंक के पास पैसा ही खत्म हो गया है बैंक डिपॉजिट्स तो लेता है बट उसके पास पैसा ही नोट ही खत्म हो गए हैं लिक्विडिटी क्राइसिस हो गया है, है। करेंसी की डिपॉजिट्स की कमी आ गई है बैंक के अंदर तो उस केस में उसकी हेल्प कौन करता है हमारा सेंट्रल बैंक हेल्प करता है वेन कमर्शियल बैंक डू नॉट गेट लोन फैसिलिटीज फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज सब जगह जाके दरवाजा खटखटा लेता है बट कहीं से उसको लोन नहीं मिलता तब वो कमर सेंट्रल बैंक के पास जाता है आखिरी उम्मीद लेकर सेंट्रल बैंक के पास जाता है और सेंट्रल बैंक उसको लोन अप्रूव कर देता है सेंट्रल बैंक उसको लोन दे देता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट कस्टोडियन ऑफ नेशन गोल्ड एंड फॉरन एक्सचेंज रिजर्व हमारे देश का जितना भी गोल्ड है हमारी सरकार का हमारे कमर्शियल बैंक्स का हमारी केंद्र सरकार हमारी राज्य सरकार का जितना भी फॉरेन एक्सचेंज है मतलब फॉरेन करेंसीज उनके पास जितनी भी हैं, गोल्ड जितना भी है उसको सेव करने का उसको संभाल के रखने का काम भी किसका है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा हूँ सेंट्रल बैंक का ही काम है फॉरेन करेंसीज रिजर्व्स एंड गोल्ड ऑफ अ कंट्री आर केप्ट इन द कस्टडी ऑफ इट सेंट्रल बैंक ऑल दी फॉरन करेंसीज बाई दिटिजन ऑफ अ कंट्री हैज़ टू बी डिपॉजिटेड विद देंट्रल बैंक जितनी भी फॉरन करेंसी हमारे देश में आ रही है यू एस डॉलर्स यूके पाउंड जितने भी आ रहे हैं ये सब सेंट्रल बैंक में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं इफ़ दे वॉन्ट्स टू मेक पेमेंट इन फ्यूचर फॉरन करेंसी एंड अगर किसी को भी फॉरन करेंसी की पेमेंट करनी भी है तो उसको पैसा सेंट्रल बैंक से विड्रॉ करना पड़ता है तो जितनी भी फॉरेन करेंसी है जितना भी नेशन का गोल्ड है उस सब को संभाल रखने का काम हमारे सेंट्रल बैंक का है ठीक है ये इसका पांचवा फंक्शन है छठा फंक्शन जो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चों को ये भी सुन लो क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या है दो बैंक्स हैं दो बैंक अकाउंट के बीच में कोई ट्रांजेक्शन है एच डी एफ सी और अपना कौन सा आईसीआई बैंक के बीच में कुछ ट्रांजेक्शन करवानी है तो उस ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करने का काम उस का ट्रांजेक्शन को करवाने का काम एजेंट का का वाला काम सर जो एजेंट वाला काम था ना वो कहाँ होता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन ऑफ दी सेंट्रल बैंक में होता है जैसे सरकार का एजेंट होता है ना हमारी, हमारी सेंट्रल हमारा सेंट्रल बैंक उसी तरीके से कमर्शियल बैंक्स के भी एजेंट का काम करता है हमारा सेंट्रल बैंक पर वो कौन से फंक्शन में पढ़ा जाता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन में देखो यही लिखा है इज मैनेज बाय दी द क्लियरिंग हाउस फंक्शन इज मैनेज सेंट्रल बैंक टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ चेक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बिटवीन बैंक दो तीन बैंक के बीच का जो ट्रांजेक्शन है करवाने का काम जिस बिचौलिए का है जिस एडवाइजर का है वो एडवाइजर वो बिचोलिया कौन है वो मीडिएटर कौन है तो वो है हमारा सेंट्रल बैंक एंड वो कौन से फंक्शन के अंदर करता है सर क्लियरिंग हाउस फंक्शन के अंदर सेटलमेंट कर देता है ऑफ पेमेंट्स दो और तीन बीच दो और तीन बैंक्स के बीच में कोई पेमेंट का ट्रांजैक्शन है तो उसको फटाफट से सेटल कर देता है विदाउट एनी फ्रॉड कोई फ्रॉड भी नहीं होने देता एंड कुछ डीले भी नहीं होने देता सबसे खतरनाक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक सर सबसे डेंजरस फंक्शन सबसे डेंजरस फंक्शन कौन सा है हमारे सेंट्रल बैंक का तो वो है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई जो फंक्शन है ना सर ये सबसे डेंजर फंक्शन है सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे सेंट्रल बैंक का मनी सप्लाई क्या होती है सर जितनी भी करेंसी होती है जितने भी डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं उसके भी अलावा जितने भी अदर डिपॉजिट्स ओडी अदर डिपॉजिट्स भी आरबीआई होते हैं इन सब को कंट्रोल करने का काम किसका है सेंट्रल बैंक का अब तुम देख रहे हो इसका फंक्शन समझ रहे हो मनी सप्लाई क्या था सर मनी सप्लाई था जो हमारे नोट हमारे पास जो पैसा है जो पब्लिक का पैसा है सर मेरे पास कितनी करेंसी है तुम्हारे पास कितनी करेंसी है उसके अलावा तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है वो सब मनी सप्लाई के अंडर आता है और ये मनी सप्लाई को कंट्रोल कौन करता है हमारी जेब का पैसा तुम्हारी जेब का पैसा तुम्हारे बैंक अकाउंट का पैसा मेरे बैंक अकाउंट का पैसा इसको कंट्रोल करने वाला कौन है तो इसको कंट्रोल करने वाला सेंट्रल बैंक है सर इसको सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है इसीलिए इसको कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड साथ कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट भी कहा जाता है क्रेडिट मतलब कंट्रोलर ऑफ लोन फैसेलिटीज कंट्रोलर ऑफ लोन फैसेलिटीज एंड कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई दोनों ही इसी का नाम है ये भले ही मत पढ़ो ये क्या लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऐसे यह तो मैंने तुम्हें बताई दिया सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है अब इसको अब ये ना बहुत सारे पार्ट में डिवाइडेड है बहुत सारे पार्टस में डिवाइडेड है किस तरीके से क्या क्या औजार इसके पास है क्या क्या टूल्स इसके पास है सेंट्रल बैंक के पास जिससे यह मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है या फिर क्रेडिट फैसिलिटीज को कंट्रोल करता है वो हमें यहां पर देखना है क्या क्या औजार इधर है ठीक है ना तो वही कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई या फिर कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट भी बोला जाता है सर जितना ज्यादा क्रेडिट होगा उतना ज्यादा मनी सप्लाई होगा जितने ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है ये ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है मतलब जितना ज्यादा क्रेडिट उतना ज्यादा मनी सप्लाई जितना कम क्रेडिट उतना कम मनी सप्लाई क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई जितना ज्यादा कमर्शियल बैंक लोन देंगे जितना ज्यादा कमर्शियल बैंक क्रेडिट फैसिलिटीज देंगे उतना ज्यादा लोगों के पास पैसा बढ़ेगा लोगों के पास पैसा बढ़ेगा मनी सप्लाई इंक्रीज जितना कम लोन फैसिलिटीज कमर्शियल बैंक देंगे उतना कम पैसा हमारे लोगों के पास होगा उतना ही मनी सप्लाई कम हो जाएगा इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्रेडिट अवेलेबिलिटी एंड मनी सप्लाई इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर मॉनेटरी पॉलिसीज मॉनेटरी पॉलिसीज क्या है सेंट्रल बैंक के द्वारा इस्तेमाल करे गए टूल्स टूल्स यूज बाय सेंट्रल बैंक टूल्स यूज बाय सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन्हीं को क्या कहा जाता है इन्हीं को मॉनेटरी पॉलिसीज़ कहा जाता है रेफर टू पॉलिसीज़ मेड बाय द सेंट्रल बैंक टू चेंज द लेवल ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी तो कौन से ऐसे औजार होंगे कौन सी ऐसी पॉलिसीज सेंट्रल बैंक लेके आएगी जिसके द्वारा मनी सप्लाई को चेंज करा जाएगा मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करा जाएगा क्रेडिट फैसिलिटीज को कम या ज्यादा करा जाएगा उन्हीं को मॉनेटरी पॉलिसीज कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज कौन बनाता है तो हमें पता है सर सेंट्रल बैंक ही बनाता होगा ना जब मनी सप्लाई को कंट्रोल करने वाला ही सेंट्रल बैंक है तो मॉनेटरी पॉलिसीज भी सेंट्रल बैंक ही बनाता होगा अब ये मॉनेटरी पॉलिसीज तो कुछ देखी है <coughs> अब हमारा क्या है मॉनेटरी पॉलिसीज भी दो टाइप की हैं एक टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी होती है क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव मेजर्स या फिर क्वांटिटेटिव पॉलिसीज ही बोल लो दूसरी होती है क्वालिटेटिव पॉलिसीज क्वांटिटेटिव पॉलिसीज और सेकेंड वन इज क्वालिटेटिव पॉलिसीज क्वांटिटेटिव पॉलिसीज क्या होती है एंड क्वालिटेटिव कौन सी होती है सबके बारे में पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव में जो सबसे पहली क्वांटिटेटिव पॉलिसी है वो है बैंक रेट और इसको रेपो रेट के नाम से भी जाना जाता है बैंक रेट या फिर रेपो रेट के नाम से भी इसको जाना जाता है दिस इज द फर्स्ट क्वांटिटेटिव पॉलिसी अब इसके बारे में एक एक करके सारी पॉलिसीज़ देखेंगे क्वांटिटेटिव भी क्वालिटेटिव भी सारी देखेंगे सबसे पहली कौन सी है सर रेपो रेट या फिर बैंक रेट रेपो रेट या बैंक रेट होता क्या है इसके बारे में बताते हैं क्या होता है जर्नली कमर्शियल बैंक जाता है अपने सेंट्रल बैंक के पास एंड कहता है मुझे लोन चाहिए तो सेंट्रल बैंक क्या करता है सेंट्रल बैंक कहता है हाँ भाई तुम मेरे पास आए हो तो मैं तुमको खाली हाथ कैसे भेजूँगा लो लोन लो दस हजार रुपए का लोन ले लिया हमारे कमर्शियल बैंक ने कमर्शियल बैंक फिर वापस पे भी तो करेगा इस लोन को वो वापस पे भी तो करेगा सेंट्रल बैंक को सेंट्रल बैंक को ये लोन पे ऑफ करेगा तो दस हजार तो लोन देगा ही देगा साथ ही साथ कुछ इंटरेस्ट भी तो पे करेगा सर उसके साथ तो जो वो इंटरेस्ट पे करता है इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द लोन टेकन बाय द कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक इज नोन एज बैंक रेट या रेपो रेट बैंक रेट होता है जर्नली लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए रेपो रेट होता है शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए अगर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ लोन है तो उसको रेपो रेट कहा जाएगा उस इंटरेस्ट को अगर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट के लिए लोन लिया गया है तो उस पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है बैंक के द्वारा वो बैंक रेट कहलाता है ठीक है तो इन्हीं का डेफिनेशन दे दिया है इनके नाम बस याद कर लेना एक बारी नाम देख लेना रेपो रेट को रीपरचेज रेट के नाम से जाना जाता है और बैंक रेट को डिस्काउंट रेट के नाम से जाना जाता है रीपर्चेज रेट या डिस्काउंट रेट वही सेम चीज जो तुमको बताई जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं एंड उस लोन पर जो कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वही होता है रेपो रेट रेट एट विच सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म बस यही था सर शॉर्ट टर्म लोन होगा तो रेपो रेट होगा एंड अगर लॉन्ग टर्म लोन्स होंगे तो बैंक रेट होगा अब इसका चेन इफेक्ट समझते हैं कि कैसे बैंक रेट कम या ज्यादा करके ये मनी सप्लाई को इफेक्ट करेगा हमारा सेंट्रल बैंक सो ओके ना जी बैंक रेट हो गया इंक्रीज बैंक रेट हो गया कम बैंक रेट इंक्रीज होने पर कमर्शियल बैंक क्या करेगा कमर्शियल बैंक विल इंक्रीज दी इंटरेस्ट रेट क्या हुआ सर जब मुझे कमर्शियल बैंक में कमर्शियल बैंक जो था वो सेंट्रल बैंक के पास गया सेंट्रल बैंक ने उसको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एक लोन दिया बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसने ये लोन हमारे कमर्शियल बैंक को दिया तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा कमर्शियल बैंक करेगा तूने उन्होंने मेरे से ज्यादा इंटरेस्ट रेट लिया तो अब जो मेरे नीचे लोग हैं जनरल पब्लिक है मैं उनसे भी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मतलब उनको भी मैं ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दूंगा ठीक है तूने मेरा लोन इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो मैं अब जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट रेट बढ़ा दूंगा तो यही यहां पर हुआ देखो यहां पर बैंक रेट बढ़ा तो कमर्शियल बैंक ने जो अपने लोन्स का इंटरेस्ट रेट था वो भी इंक्रीज कर दिया बैंक रेट अगर कम होगा तो कमर्शियल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट जो बैंक का इंटरेस्ट रेट होते हैं जिस पर वो लोन देते हैं उसको कम कर देंगे इससे क्या फर्क पड़ेगा सर जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाएगा तो क्रेडिट फैसिलिटीज ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी जब इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा तो वो बेचारी जनरल पब्लिक बैठी है वो भी पागल थोड़ी है वो कहेगी यार इतने महंगे इंटरेस्ट पे मैं क्यों लोन लू तो वो लोन लेना ही बंद कर देंगे क्रेडिट फैसिलिटीज ही कम हो जाएंगी एंड yeah. जब इंटरेस्ट रेट सर कम होगा जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा जब बैंक रेट कम हुआ तो कमर्शियल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को भी कम कर दिया जब इंटरेस्ट रेट कम होगा ना सर तो क्रेडिट फैसिलिटीज भी क्या होंगी बढ़ जाएंगी अब लोग कहेंगे ये वाले जो जनरल पब्लिक थी हमारी जो बेचारी यहाँ पे नीचे बैठी हुई है अभी वो कहेगी कि अब इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो अब मैं लोन फैसिलिटीज का फायदा उठा लेता हूँ एंड लोन फैसिलिटीज का फायदा उठाएंगे तो क्रेडिट फैसिलिटीज इंक्रीज एंड हमको पता है जितना ज्यादा क्रेडिट उतना ज्यादा मनी सप्लाई जितना कम क्रेडिट उतना कम मनी सप्लाई अब ध्यान से सुनना ये सारे जो तुम्हारे वो है ना टूल्स या मॉनेटरी या क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव पॉलिसीज 100 परसेंट आएगा 100 परसेंट आएगा पेपर में लिख के ले लो कि एक ना एक क्वेश्चन क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव पॉलिसी में से आएगा तो सर इनकी डेफिनेशन तो याद मत करो डेफिनेशन तो तुम अपनी लैंग्वेज में लिखाना बस तुमको समझ आना चाहिए कि बैंक रेट क्या होता है या रेपो रेट क्या होता है पर ये जो फ्लो चार्ट है ना प्लीज मेरे शेरों और शेरनियों प्लीज इस फ्लो चार्ट को बना के देख लेना इस फ्लो चार्ट को ही बनाया ना पेपर में एंड इसी को ही आगे एक्सप्लेन कर देना तीन या चार पॉइंट्स में पूरे तीन नंबर का क्वेश्चन हो चार नंबर का क्वेश्चन हो पूरे नंबर मिल जाएंगे तुमको ठीक है अगले टूल के बारे में बताऊंगा तब तक ये क्वेश्चन कर दो बैंक रेट राइज इन एन इकोनोमी देन मनी सप्लाई एम एस इज मनी सप्लाई बैंक रेट जब राइज होता है ना बैंक रेट के राइज होने से मनी सप्लाई कम हो जाता है बैंक रेट के राइज होने से क्रेडिट फैसिलिटीज कम होती हैं, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट ज्यादा कर दिया क्रेडिट फैसिलिटीज कम तो मनी सप्लाई विल फॉल एंड ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा सर ठीक है जी चलो बस सब और अगले टूल्स की तरफ चलते हैं और अगले टूल्स के बारे में तुमसे बात करता हूँ बस एक सेकेंड और रुको दोबारा से कंटिन्यू करते हैं तो बस अब हम इस टॉपिक को आगे लेके चलते हैं अभी तक हमने क्या देखा था हमने देखा था पहला फंक्शन और द क्वालिटेटिव पॉलिसी द फर्स्ट क्वालिटे क्वान्टिटेटिव पॉलिसी ऑफ हमारा सेंट्रल बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं वो किस लिए होती हैं सर इन ऑर्डर टू कंट्रोल दी मनी सप्लाई है ना सर मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसीज़ हमारा सेंट्रल बैंक बनाता था उन्हीं को मॉनेटरी पॉलिसीज़ कहते थे जिनमें पहली थी क्वांटिटेटिव, इसमें पहली हमने पूरी ख़त्म कर ली एंड कैसे इससे मनी सप्लाई कंट्रोल कम ज़्यादा होती थी वो भी देख ली सेकेंड इज इसी का उल्टा इसी का ऑपोजिट इसी रेट का ऑपोजिट एंड नाम भी वही है रिवर्स रेपो रेट एंड नाम भी उसका रिवर्स ही है देख लो जैसे रेपो रेट था वैसे ये रिवर्स रेपो रेट है उल्टा रेपो रेट क्या है सर नाम से ही कोई समझ जाए बट अगर नहीं समझे तो बता देता हूं जैसे सर रेपो रेट के, के केस में तो कमर्शियल बैंक्स सेंट्रल बैंक के पास जा रहे थे लोन लेने अब जाएगा वहां पर कमर्शियल बैंक्स अपना पैसा डिपॉजिट करवाने तो सेंट्रल बैंक उसको डिपॉजिट तो वापस करेगा ही करेगा सेंट्रल बैंक उसे उसका डिपॉजिट तो वापस देगा ही देगा साथ में सर एक इंटरेस्ट का अमाउंट भी पे करेगा अब भैया जब तुम सेंट्रल बैंक से लोन लेते हो तो लोन देते टाइम लोन वापस करते टाइम सेंट्रल बैंक तुमसे इंटरेस्ट लेता है तो अब अगर उसने तुम्हारा डिपॉजिट लिया है कमर्शियल बैंक का डिपॉजिट लिया है तो वो तुमको इन रिटर्न इंटरेस्ट भी पे करेगा सेंट्रल बैंक एंड उस इंटरेस्ट रेट को ही कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट उसी इंटरेस्ट रेट का नाम होता है रिवर्स रेपो रेट एंड इसको एक और नाम से भी जाना जाता है जो बताता हूं इसको रिवर्स रीपरचेज रेट के नाम से भी जाना जाता है अगर तुम्हें याद होगा रीपरचेज रेट था रेपो रेट तो बस रिवर्स रेपो रेट क्या हो जाएगा रिवर्स रीपरचेज रेट ठीक है ना तो ये होता क्या है सर इट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम दी कमर्शियल बैंक जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट्स लेता है ठीक है उसी रेट को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है अब इसका पूरा चेन इफेक्ट समझो आर 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 ये वो वाला आर 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 नहीं है अपना समझिए ना कौन सा वाला मूवी वाला आर 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 जिसमें हमारी आलिया भट्ट थी ये रिवर्स रेपो रेट वाला आर 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 है तो अगर सर रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हो जाएगा तो हमें ना यहां पर कमर्शियल बैंक के परस्पेक्टिव से सोचना है एज अ कमर्शियल बैंक सोचना है तो सर जब रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हो जाएगा तो मैं एज अ कमर्शियल बैंक यू सोचूंगा कि मैं लोगों को लोन क्यों दू मैं दूसरे लोगों को जनरल पब्लिक को लोन क्यों दू जबकि मैं वो पैसा अपना सेंट्रल uh, बैंक के पास रखवा सकता हूं क्योंकि वहां पर रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हो गया वहां पर मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा तो इसीलिए कमर्शियल बैंक्स क्या करेगा प्रोवाइड लेस लोन्स टू दी पब्लिक एंड दे विल डिपॉजिट मोर इन दी सेंट्रल बैंक जर्नल पब्लिक को कम लोन देगा सेंट्रल बैंक में ज्यादा पैसा लगवाएगा जब जर्नल पब्लिक को कम लोन मिलेगा तो सर ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा रिवर्स अगर कम हो जाएगा तो कमर्शियल बैंक सोचेगा कि यार सेंट्रल बैंक तो ज्यादा इंटरेस्ट दे नहीं रहा तो इसके पास क्यों रखू अपना पैसा मैं जनरल पब्लिक को अपना पैसा दे देता हूं इन दी फॉर्म ऑफ लोन जितनी ज्यादा लोन फैसिलिटीज जितनी ज्यादा क्रेडिट फैसिलिटीज उतना ही ज्यादा मनी सप्लाई तो सर इनके बीच में कैसा रिलेशन है इनवर्स रिलेशन है रिवर्स रेपो रेट ज्यादा तो मनी सप्लाई कम रिवर्स रेपो रेट कम तो मनी सप्लाई ज्यादा रटना मत कभी भी इस चीज को इनवर्स रिलेशन है रटना मत चेन ऑफ इवेंट्स को याद करना एंड ये चेन ऑफ इवेंट्स जर्नल लाइफ से रिलेटेड है कुछ भी नहीं है कोई भी एक रैशनल बंदा क्या करेगा वही कमर्शियल बैंक ने भी करा अगला 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 ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन इज द थर्ड क्वान्टिटेटिव पॉलिसी और थर्ड क्वान्टिटेटिव मेजर टू कंट्रोल मनी सप्लाई है ना सर क्या है ओ एम ओ ओ एम ओ के नाम से भी जाना जाता है एंड ओपन मार्किट ऑपरेशन के नाम से भी ओ एम ओ एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन अब वट आर ओ एम ओ और ओपन मार्केट ऑपरेशन तो ओ एम ओ क्या होता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं कुछ ना बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन सी होती हैं जनरली ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स इश्यू करता है ना अब जब गवर्नमेंट को ना लोन चाहिए होता है लोन की फैसिलिटीज का रिक्वायरमेंट होता है लोन चाहिए होता है हमारी केंद्र सरकार राज्य सरकार को तो वो जनरल पब्लिक से भी लोन ले सकते हैं वो कैसे लेते हैं बॉन्ड्स इशू करके कि भाई जनरल पब्लिक को कहेंगे कि हमारे से दस लाख रुपए का बॉन्ड परचेज कर लो एंड हमें दस लाख रुपए दे दो जर्नल पब्लिक से लोन ले लिया एंड बाद में इंटरेस्ट के समेत उस बॉन्ड का पैसा वो वापस कर देते हैं तो उन्हीं को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहा जाता है तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेंट्रल बैंक भी परचेज कर लेती है गवर्नमेंट को जब पैसा चाहिए होता है तो सेंट्रल बैंक कहता है दे मुझे दे दो अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मैं अपने पास रख लेता हूं और उनको पैसा दे देता है तो ये गवर्नमेंट ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं ये दोनों के पास रहती हैं कमर्शियल बैंक के पास भी होती हैं सॉरी सेंट्रल बैंक के पास भी होती हैं जनरल पब्लिक के पास भी होती हैं कमर्शियल बैंक के पास भी होती हैं बट सर हमें क्या देखना है कि ये वाली ओपन सिक्योरिटीज ये जो क्या कहते हैं ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी ये ओपन मार्केट में कैसे सर्कुलेट करती हैं ओपन मार्केट क्या चीज होती है वट इज ओपन मार्केट ओपन मार्केट में इसका मतलब ये किस किन दोनों चीज के बीच का इंटरेक्शन की बात कर रहा है सेंट्रल बैंक एंड जनरल पब्लिक ओपन मार्केट कौन सा केस यहां पर डिपिक्ट करेगा तो वो बताएगा सेंट्रल बैंक और जनरल पब्लिक जो है ये जिस मार्केट में एक दूसरे से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने और बेचने वाले हैं उसी मार्केट को ओपन मार्केट कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं कि जो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बेचना और खरीदना किसके बीच में सर सेंट्रल बैंक और जर्नल पब्लिक के बीच में इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के खरीदने और बेचने को ही ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं अब ये कैसे मनी सप्लाई को इफेक्ट करेगा लो भाई ये लो ओ ओमो फोमो हो गया सर मुझे तो ओमो हो गया मुझे फोमो हो गया तो जब बाय करेगा बाइंग सिक्योरिटीज के केस में क्या होगा ये कौन कर रहा है ओपन मार्केट ऑपरेशन करता कौन है ध्यान से याद रखना ओपन मार्केट ऑपरेशन इज डन बाय दी सेंट्रल बैंक ठीक है ना ये जहां पर जितनी भी बाइंग एंड सेलिंग होती है इन दी ओपन मार्केट टू कंट्रोल मनी सप्लाई इट इज डन बाय आरबीआई जितना भी खरीदना और बेचना होता है ये करता कौन है सर आरबीआई करता है तो जब आरबीआई सिक्योरिटीज खरीदता है किससे जनरल पब्लिक से, से? गवर्नमेंट से नहीं खरीद रहा जर्नल पब्लिक से जब खरीदता है तो जब जर्नल पब्लिक से सिक्योरिटीज खरीदेगा उसके बदले में जनरल पब्लिक को पीसा देगा सर उसके बदले में जनरल पब्लिक को पैसा देगा तो मेक पेमेंट टू दी जनरल पब्लिक जनरल पब्लिक को जब पैसा मिलेगा तो सर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा इसी का उल्टा केस जब सर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करेगा जब हमारा जब हमारा आरबीआई इन सिक्योरिटीज को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा बेचेगा तो क्या होगा सर जब बेचा उसने जर्नल पब्लिक को तो जर्नल पब्लिक से लेगा पैसा सेंट्रल बैंक रिसीव्स पेमेंट फ्रॉम दी पब्लिक। यहां पर वो पेमेंट मतलब रिसीव्स पेमेंट नहीं लिखते रिसीव्स मनी लिख देते हैं। रिसीव्स मनी फ्रॉम पब्लिक तो जब पैसा ले लेगा वो पब्लिक से तो सर मनी सप्लाई क्या हो जाएगा कम सेलिंग के केस में सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक में मनी सप्लाई कम बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक के केस में मनी सप्लाई ज्यादा अब आ जाते हैं सर लीगल रिजर्व रेशियो के बारे में ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा है लीगल रिजर्व रेशियो तो नहीं मुझे बताना पड़ेगा पर इसकी तो पूरी कहानी आपने बता रखी है कि लीगल रिजर्व रेशियो होता है कैश रिजर्व रेशियो और स्टेच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को ऐड करके जो रेशियो आता है दैट इज अवर लीगल रिजर्व रेशियो एंड इट इज द फोर्थ क्वांटिटेटिव मेजर विच इज अवर लीगल रिजर्व रेशो जिसको सर लीगल रिजर्व रेशियो के नाम से भी जाना जाता है कहां पर आ गए हम हम आ गए इधर लीगल रिजर्व रेशियो पे इसके बारे में सर मुझे पूरी जानकारी है जो बैंक के पास कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट्स आते हैं ना उस कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट्स का वो क्या करता है वो कुछ पैसा रखवाता है कमर्शियल कमर्शियल बैंक कुछ पैसा अपने पास रख लेता है और लोन की फॉर्म में दे देता है एंड कुछ पैसा सर वो सेंट्रल बैंक के पास भी रखता था तो जो पैसा या जो रिजर्व वो सेंट्रल बैंक के पास रखता था वो था कैश रिजर्व रेशियो जो वो अपने पास रखता था वो था स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड बचा हुआ पैसा सब लोन की फॉर्म में दे देता था और ये स्टैच्यूटरी और सी ये दोनों मिलाकर सर हमारा लीगल रिजर्व रेशियो बनाते हैं इट्स पार्ट ऑफ टोटल डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक आईदर कैप्ट सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री जो सेंट्रल बैंक के पास रखा जाता है वो होता है सर सी आर आर कैश रिजर्व रेशियो एंड जो वो अपने पास देम अपने पास रखते हैं वो होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो अब ये जो लीगल रिजर्व रेशियो होता है दिस लीगल रिजर्व रेशियो इज सेट अप बाय दी आरबीआई पहले भी बताया था कि इस लीगल रिजर्व रेशियो को सेट करने के लिए कौन सी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है तो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है ठीक तो है सर अब जब ये सी आर आर एस एल आर या आर 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 एल आर आर सॉरी किसी को भी इंक्रीज करेगा इन तीनों में से कोई भी वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो हमें क्या देखने को मिलेगा सर जब ये वैल्यू ना सर इंक्रीज होगी तो इसका मतलब ये है अब हमें रिजर्व ज्यादा बनाने हैं कमर्शियल बैंक को हमें नहीं कमर्शियल बैंक को कमर्शियल बैंक को रिजर्व ज्यादा बनाने हैं एंड लोन कम देना है सर अगर लोन कम दिया जाएगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा अगर ये रिजर्व्स डिक्रीज हो जाएंगे इसका मतलब हमें रिजर्व कम बनाना है हमें मतलब कमर्शियल बैंक को कमर्शियल बैंक को रिजर्व कम बनाना है और लोन ज्यादा बांटना है तो लोन का अमाउंट मतलब सर इंक्रीज हो जाएगा मतलब मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा लोन फैसिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी खत्म सारे सर अब हमारे क्वांटिटेटिव मेजर सारे खत्म हो गए अब हम दोबारा से अपने क्वालिटेटिव मेजर्स पर आ गए हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स चारों समझ आ गए बैंक रेट रेपो रेट एक ही बात होती है बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है रेपो रेट शॉर्ट टर्म बेसिस पे रिवर्स रेपो रेट सर बैंक रेट का ही ऑपोजिट होता है रिवर्स रेपो रेट क्या होता है सब बता चुका हूं उसके अलावा ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड लीगल रिजर्व रेशो दीज फोर आर दी क्वानिटेटिव मेजर्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई अब measures, है क्वालिटेटिव मेजर्स जिसमें से सिक्योरिटी मोर्टगेज सब का मतलब एक ही है क्या मतलब जब भी तुम बैंक में जाते हो ना लोन लेने तो बैंक ने मेरे भाई मेरे दोस्त मुंटू को ऐसे ही लोन नहीं दिया था मुंटू ही नाम था ना उसका मैं तो नाम भी भूल गया हूं. इतनी देर से पड़ा पड़ा गया उसका नाम ही भूल गया मोन्टू ही नाम था तो जिस भी मोन्टू को मेरे भाई को लोन दिया था तो उस मोन्टू को ऐसे ही लोन नहीं देगी वो वो कहेगी मोन्टू से कि भाई अपनी कुछ प्रॉपर्टी के पेपर रखवा अपने बाइक के गाड़ी के कुछ तो कागजात रखवा कुछ सिक्योरिटी तो दे मुझे तभी तो मैं तेरे को पैसे दूंगी ठीक है मतलब कमर्शियल बैंक कहती है कमर्शियल बैंक कहती है मुझे कुछ सिक्योरिटी तो दे उसके बदले में ही तो तेरे को पैसे दूंगी तो उसी सिक्योरिटी को मोर्टेगेज कोलेट्रल या सिक्योरिटी कहा जाता है कुछ एसेट तो रखवा मेरे पास ठीक है ना कुछ एसेट तो रखवाओ मेरे पास तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है अब सर मैंने रखवाया कितने का एसेट मेरे बीस हजार रुपए की मेरे बाइक की वैल्यू थी मैंने बीस हजार रुपए का एसेट रखवाया उसने बैंक ने मुझसे कहा मैंने कहा ये लो सर मेरी बीस हजार रुपए की बाइक के पेपर रख लो अब मुझे बीस हजार रुपए का लोन दे दो कमर्शियल तो बैंक ने मुझे कहा ये देखा है चाटा देखा है चाटा चाटा ही लगेगा बीस हजार रुपए का अगर तुम्हें लोन दे रहे बीस हजार रुपए की तुम सिक्योरिटी दे रहे हो ना तो उसके बदले में तुम्हारे को वो लोन देंगे सिर्फ पंद्रह हजार का तुम्हारे को लोन कितने का दिया जाएगा ये तो तुम्हारे एसेट की वैल्यू थी बट तुम्हें लोन कितने का दिया जा रहा है पंद्रह हजार का ये पंद्रह हजार का लोन क्यों दिया सर ये बीच के पांच हजार कहाँ गए तो बीच के पांच हजार बैंक ने कहा कि कल को तुम्हारी बाइक का कोई एक्सीडेंट हो जाए उसकी वैल्यू कम हो जाए कुछ भी कुछ भी हो सकता है ना तो हम वो बीच के पांच हजार अपना मार्जिन रखेंगे कि कल को कुछ कुछ हो जाए कुछ बुरा हो जाए तो उसमें तुम्हारे एसेट की वैल्यू अगर कम हो गई तो ये बीच में हम अपना कुछ मार्जिन रखेंगे जिसको मार्जिनल रिक्वायरमेंट कहा जाता है तो सर यहां पर मार्जिन कितना है बीस हजार का आपका एसेट था पंद्रह का लोन मिला इसका मतलब पांच हजार का इधर मार्जिनल रिक्वायरमेंट देखने को मिल रहा है सर मार्जिनल रिक्वायरमेंट होता क्या है इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ कोलेटरल मतलब वैल्यू ऑफ कोलेटरल एंड द अमाउंट ऑफ लोन सेंशनड वैल्यू ऑफ कोलेट्रल बीस था लोन पंद्रह का मिला तो दस बीस माइनस पंद्रह पाँच हजार जो रहा सर वो मेरा मार्जिनल रिक्वायरमेंट रहा ये अपने पास बैंक ने आ, सेव कर, कर रखा मार्जिन बनाकर रखा कि कल को एसेट का वैल्यू अगर कम हो जाए तो हमको नुकसान ना पहुंचे इसी को मार्जिनल रिक्वायरमेंट कहा जाता है तो 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 मार्जिनल रिक्वायरमेंट अभी कितना था सर इस केस में अभी पांच हजार है कल को मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट इंक्रीज होके सेवन हो जाता है तो बीस हजार का एसेट मार्जिनल रिक्वायरमेंट सात हजार तो हमें लोन मिलेगा सर तेरह हजार का पहले हमें पंद्रह हजार का लोन मिल रहा था अब हमें तेरह हजार का लोन मिल रहा है इसका मतलब सर लोन का अमाउंट कम हो गया लोन फैसिलिटीज कम मतलब मनी सप्लाई भी कम मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ने की वजह से मनी सप्लाई सर कम हो गई सर मार्जिनल रिक्वायरमेंट कम हुआ पांच हजार की जगह अब बैंक तीन हजार रुपए का मार्जिन रखने लगा तो बीस हजार का था हमारा एसेट तीन हजार का बैंक ने मार्जिन रख लिया बीस हजार माइनस तीस हजार सर मैंने करा तो मतलब अब मुझे सत्रह हजार रुपए का दो लोन दे देगी जो मेरा दोस्त है मोन्टू उसको मेरा कमर्शियल बैंक सत्रह हजार का लोन दे देगा मतलब सर उसके लोन का अमाउंट हो गया इंक्रीज मतलब सर मनी सप्लाई भी क्या हो गई इंक्रीज बस यही सारी बातें थी सारा कुछ खत्म हो गया और कुछ भी नहीं है ये लास्ट मतलब समझ लो ये लास्ट ही था मार्जिनल रिक्वायरमेंट वाला लास्ट चीज था मार्जिनल रिक्वायरमेंट के ज्यादा होने पर मनी सप्लाई कम हो रहा था मार्जिनल रिक्वायरमेंट के कम होने पर मनी सप्लाई ज्यादा हो रहा था सर खो oh, ब्रो ये क्या है क्वालिटेटिव पॉलिसीज़ में क्या है सबसे पहली क्वालिटेटिव पॉलिसी इज मार्जिनल रिक्वायरमेंट सेकेंड वन इज मोरल सुएशन सेकेंड क्वालिटेटिव पॉलिसी इज मोरल सुएशन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता मोरल सुएशन का मतलब पता है क्या है कुछ भी नहीं है सर मोरल सुएशन का मतलब ये यहां पर भी लिख रखा है वैसे तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट ज्यादा मतलब लोन कम दिया जाएगा मनी सप्लाई कम मार्जिनल रिक्वायरमेंट कम होगा तो सर लोन ज्यादा दिया जाएगा एंड मनी सप्लाई भी ज्यादा हो जाएगा देख लेना जहां से तुमको देखना हो वहां से समझ लेना मोरल सुशन में क्या है मोरल सुशन में कुछ भी रेट इंटरेस्ट बाइंग सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज कुछ नहीं हो रहा इस केस में सेंट्रल बैंक आता है सेंट्रल बैंक मीटिंग रखता है कमर्शियल बैंक्स के साथ एक मीटिंग रखता है सारे कमर्शियल बैंक्स के हेड्स को बुला लेता है और उनको एडवाइस देता है उनको कहता है ये ये तुम्हारे को मैं स्ट्रेटेजीज बता रहा हूं ये अपने बैंक में स्कीम्स लेकर आओ इससे मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा ठीक है तो जो मनी सप्लाई इंक्रीज करने के लिए बैंक स्ट्रैटेजीज बताता है ओरली या फिर रिटर्न फॉर्मेट में जो स्ट्रैटेजीज बताता है कौन सेंट्रल बैंक आर हमारे कमर्शियल बैंक्स को मनी सप्लाई इंक्रीज करने के लिए उनको एक्सपेंशनरी मनी सप्लाई मेजर्स कहा जाता है एक्सपेंशनरी मनी सप्लाई मेजर्स बताता है और कॉन्ट्रैक्शनरी मनी सप्लाई मेजर्स कभी कभी हमारा सेंट्रल बैंक आके आरबीआई आके कमर्शियल बैंक्स को इंस्ट्रक्शन ये भी देता है कि मनी सप्लाई ना बहुत ज़्यादा हो रखा है इस मनी सप्लाई को थोड़ा कम करो तो कम वाली जब इंस्ट्रक्शन आती हैं तो मनी सप्लाई को कम करना पड़ता है ये एम आर नहीं है दिस इज एम एस मनी सप्लाई तो मनी सप्लाई को सर कम भी करने का एडवाइस देते हैं देखो मोरल मोरलशन रेफर्स टू द एडवाइस गिवन बाई सेंट्रल बैंक टू द कमर्शियल बैंक बस एक एडवाइस दी जाती है अब ये एडवाइस जो होती है ये ओरली भी दी जा सकती है या फिर रिटर्न फॉर्मेट में भी जैसे मर्जी बस सेंट्रल बैंक हमारे कमर्शियल बैंक को एडवाइस देता है अगर मनी सप्लाई बढ़ाना होता है तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसीज की एडवाइस देता है मनी सप्लाई को कम करना होता है तो कॉन्ट्रैक्शनरी मनी सप्लाई मेजर्स की उसको एडवाइस देता है बस यही अपना मोरल सुन है सब कुछ खत्म हो गया गाइस सब कुछ पेल दिया अपन ने देखो कितनी सारी चीजें कर ली है स्लाइड नीचे पे नीचे हो जा रही है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक मेजर्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई ये भी खत्म अब सब खत्म होने के बाद अब तुमको दिखाऊंगा क्वेश्चंस एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा सारे क्वेश्चन तुम खुद देखना एंड तुमको बताऊंगा कि भैया देखो ये कराया था या नहीं कराया था कहां कराया था वो भी याद दिला दूंगा ठीक है उसके बाद तुम्हारा काम होगा कि ये 2 घंटे 20 मिनट की वीडियो बन गई है उसको ध्यान से देखना और सर आप खुद चेक कर लेना कि सब कुछ सब कुछ हो गया है इसके अंदर कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने तुम यू सोच रहे हो वन शॉट है तो कुछ कम हो जाएगा कुछ भी नहीं छोड़ा है सब खत्म करा दिया है दो घंटे बीस मिनट में बस तुम ध्यान से देख लेना कर लेना कितने नंबर का आता है वो भी बता दूंगा तुम खुद ही एनालाइज कर लोगे कितने नंबर का आता है एंड में वो भी बता दूंगा कितने नंबर का आता है ये पेपर में चैप्टर क्या था क्या था ठीक है फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक कर लिए मेजर्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई भी देख लिया ये सारी चीजें देख ली इसके अंदर क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेजर सब कर लिया अब तुम्हारे को लेके चलते हैं दूसरी दुनिया में ये रहा 2023 का पेपर सारे मनी एंड बैंकिंग के क्वेश्चंस डाल दिए हैं ये रहा 2024 का पेपर इसने भी सारे मनी एंड बैंकिंग के क्वेश्चंस डाल दिए हैं कंपी मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो भी है सब डाल दिया अब ध्यान से देखना 2023 से शुरुआत करते हैं फर्स्ट अपना एम का क्वेश्चन है और ये पांचों सेट में से ले रखा है टोटल पांच सेट निकालता है सीबीएसई सारे डाल रखे हैं इसमें अब यू मत सोचना एक चीज और एक चीज और कि सर स्टेट बोर्ड वाले क्या करे ये तो आप सीबीएसई का करा रहे हो तो मेरे भाइयों बहनों सारी चीज कवर करा दिया पूरी एनसीईआरटी कवर करवा दी है ये तो एक सीबीएसई एक एग्जाम कंडक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो उनका अपना एग्जाम पैटर्न है तुम्हारे स्टेट बोर्ड का अलग पैटर्न होगा बट सारी चीजें तो कवर करवा दी है ना तो स्टेट बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए रेलिवेंट है ये टेंशन मत लेना अब ये देखो सर स्टेटमेंट वन ए को प्रोवाइडेड है स्टेटमेंट वन दे रखी है स्टेटमेंट टू दे रखी है स्टेटमेंट वन के अंदर है प्राइमरी डिपॉजिट्स आर कैश डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक्स सेकेंडरी दी पब्लिक बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी सही है और ये वाली भी सही है अब ये कहां पर बताई थी सुन लो जहां पर मैंने वो क्या बताया था वर्किंग ऑफ मनी मल्टीप्लायर बताया था वहां पर एक टॉपिक था कि हम वट हैपन्स टू दी इनिशियल डिपॉजिट और वट दी प्राइमरी डिपॉजिट वहां पर साफ साफ बताया था कि जो सबसे पहले ईशान सर ने पैसे डलवाए थे वो प्राइमरी डिपॉजिट से फिर जो बैंक ने लोन दिया था मोन्टू भाई को और फिर वो घूम फिर के पैसा दोबारा बैंक के पास गया था सर वो था सेकेंडरी डिपॉजिट तो जो लोन की फॉर्म में क्रेडिट प्रोवाइडेड वाला पैसा आया था उसको सेकेंडरी डिपॉजिट बोला था एंड जो सबसे पहले ईशान सर ने कैश डिपॉजिट कराया था वो सर प्राइमरी डिपॉजिट था तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है ये इसका सही आंसर है आगे आ जाओ ठीक है अगले क्वेश्चन पे आ जाओ द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो फ्रॉम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मीट देयर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स भाई क्वेश्चन तुम्हारे सामने है तुम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो सारे पी वाई के यूज और 24 के तुम्हारे को ढूंढना नहीं पड़ेगा पांचों सेट के अंदर से निकाल दिया द रेट एट विच सर कमर्शियल बैंक जब रिजर्व बैंक से उधार लेता था तो एक इंटरेस्ट रेट पे ऑफ करना पड़ता था उसको जो होता था रेपो रेट या बैंक रेट जब लॉन्ग टर्म के लिए है तो सर उसको बैंक रेट कहते हैं ये हमारा सही आंसर है सर आगे चलते हैं सर ठीक है आगे चलता हूं ये वाला देखते हैं ये आ गया अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बोला है रीड द फॉलोइंग न्यूज पब्लिश्ड ऑन सेप्टेंबर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू द सेंट्रल बैंक हैज इंक्रीज द बेंच मार्क लेंडिंग रेट बाय वन फोर्टी टू बेसिस पॉइंट आइडेंटिफाई द लाइकली कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस बिहाइंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब ये बेंच मार्क लेंडिंग रेट ये क्या चीज है सर जो सेंट्रल बैंक लेंड करता है उधार देता है उस पर जो रेट लेता है उस पर जो इंटरेस्ट रेट लेता है उसको बैंक रेट या फिर रेपो रेट ही बोलते है ना कुछ अलग तो नहीं बोलते तो ये बैंक रेट और रेपो रेट की बात कर रहा है एंड ये इंक्रीज हुआ है तो सर बैंक रेट या रेपो रेट मार्केट के अंदर इंक्रीज हुआ है ये बोल रहा चाह रहा है, है स्टेटमेंट के अंदर आइडेंटिफाई द लाइकली कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज बिहाइंड दिस एक्शन टेकन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉज क्या है कारण क्या है कारण है टू इंक्रीज बैंक रेट इंक्रीज करने का कारण है अगर बैंक रेट इंक्रीज होगा बैंक रेट इंक्रीज मतलब टू डिक्रीज टू डिक्रीज मनी सप्लाई इन दी इकोनोमी अब ये मुझे कैसे पता क्योंकि मुझे याद है मैंने अभी कराया था क्वांटिटेटिव मेजर में कि बैंक रेट इंक्रीज होने की वजह से बहुत सारे चेन इफेक्ट होते थे लास्ट में कारण क्या था उसका मनी सप्लाई को डिक्रीज करना तो क्या कारण था बैंक रेट को इंक्रीज करने का इसलिए करा होगा सेंट्रल बैंक ने क्योंकि उसको मनी सप्लाई को कम करना होगा अब कैसे कॉन्सिक्वेंसेज कैसे मनी सप्लाई कम हुआ होगा वो पूरा चेन ऑफ इफेक्ट बताओगे पहले बता देना बैंक रेट होता क्या है उसके बाद बता देना बैंक रेट इंक्रीज होने की वजह से कमर्शियल बैंक अपना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई कर देता है उसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो जाता है तो जो क्रेडिट फैसिलिटीज है वो कम हो जाती हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज कम तो मनी सप्लाई कम भाई ये सारी चीजें बताई हैं, सारी चीजें उस वीडियो में पहले ही बता चुका हूं तुमको अगले क्वेश्चन पे आ जाओ यूजिंग अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ राइज इन रिजर्व रेशियो रिजर्व रेशियो मतलब सर ये एल की बात कर रहा है एंड एल हुआ है राइज तो एल राइज होने की वजह से क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक पे क्या फर्क पड़ेगा क्रेडिट क्रिएशन मतलब सर क्रेडिट फैसिलिटीज क्रेडिट फैसिलिटीज पर क्या फर्क पड़ेगा तो पूरी चीज बता रखी है पूरी चीज अभी बताई है लीगल रिजर्व रेशियो ज्यादा होता है तो सर रिजर्व ज्यादा रखना पड़ेगा लोन फैसिलिटीज हो जाएंगी कम लोन फैसिलिटीज कम तो मनी सप्लाई कम वो पूरा चेन इफेक्ट यहाँ पर समझाना है एंड न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की हेल्प से समझाना है एक न्यूमेरिकल लेना जिसमें पहले एल अपना टेन परसेंट रखना फिर दिखाना कितना मनी सप्लाई आया मतलब कितना लोन प्रोवाइड हुआ मतलब उतना ही मनी सप्लाई हुआ है उसके बाद लीगल रिजर्व रेशियो को इंक्रीज कर देना टेन परसेंट की जगह ट्वेंटी परसेंट कर देना इंक्रीज कर देना और फिर दिखाना कितना लोन दिया गया तो तुमको पता लग जाएगा लोन कम होएगा या ज़्यादा होएगा हमें पता है कि लोन फैसिलिटीज़ कम हो जाएंगी बट ये एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की हेल्प से दिखाना है कोई बड़ी बात नहीं है अगर हमें ये इफेक्ट पता होगा तो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हम दिखा देंगे आगे ये क्वेश्चन पे चलते हैं सर ये लो ये टाइप का क्वेश्चन भी बहुत आते हैं ना इससे भी नहीं घबराएंगे अपन मिस इकरा अंसारी अ टीचर वॉज एक्सप्लेनिंग इन हर क्लास अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स विद डिपॉजिट्सियल कमर्शियल बैंक्स कमर्शियल बैंक्स बहुत सारे डिपॉजिट्स बनवाता है uh, कौन से होते हैं सर डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं टाइम डिपॉजिट्स होते हैं डिमांड डिपॉजिट्स के अंदर होता है कौन से वाला सर डिमांड डिपॉजिट्स के अंदर कौन सा होता है सर बताओ बताओ सर डिमांड डिपॉजिट के अंदर वो बताते हैं अपना uh, सेविंग्स और करंट अकाउंट टाइम डिपॉजिट्स के अंदर होता है रिक्रूइंग आरडी अकाउंट और एफडी अकाउंट तो दीज डिपॉजिट्स आर पार्ट ऑफ एम वन मेजर ऑफ मनी सप्लाई एंड आर पेबल ऑन डिमांड बाय दी कमर्शियल बैंक्स। चलो एम वन मेजर मुझे नहीं भी समझ आया बट समझ आना चाहिए एम वन मेजर के अंदर डिमांड डिपॉजिट्स की बात करी जाती है हमने देख भी रखा है मनी सप्लाई ऑफ एम वन मेजर भी बताया है करेंसी विद दी पब्लिक डिमांड डिपॉजिट्स विद पब्लिक और अदर डिपॉजिट्स आर आरबीआई तो डिमांड पब्लिक टाइप तो डिमांड तो, डिपॉजिट्स तो, 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 की बात कर रहा है टाइम डिपॉजिट्स और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट की नहीं कर रहा तो ओनली वन हमारा करेक्ट आंसर होगा ठीक है ना ओनली वन सर हमारा करेक्ट आंसर होगा अगले की तरफ चलते हैं अगला क्वेश्चन इन इंडियन इकोनॉमी डैश आर इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड एक्ट एज लीगल टेंडर मनी क्या इश्यू करता है हमारा आरबीआई कॉइंस इश्यू करता है बिल्कुल सर कॉइन्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशन लिखा है गलत हो गया कॉइन्स एक रुपए का सिक्का नहीं इशू करता हमारा आरबीआई इसलिए गलत हो गया करेंसी नोट्स ऑफ वेरियस डिनोमिनेशन एक्सेप्टन रुपी नोट ये सही है सर डिमांड डिपॉजिट्स नहीं इशू करता डिमांड डिपॉजिट्स तो आरबीआई थोड़ी इशू करता है डिमांड डिपॉजिट्स तो हम जाके बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराते हैं तो ओनली टू ये वाला ओनली टू इज द करेक्ट आंसर हेयर डैश फॉर्मुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसीज कौन बनाता है सेंट्रल बैंक बनाता है हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज लो भाई अगला क्वेश्चन कितने हो गए जल्दी जल्दी पेल देते हैं क्वेश्चन को ये मक्खी को भी पेल देते हैं आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आर बी आई का कौन सा फंक्शन नहीं है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई आर का फंक्शन है कमर्शियल बैंक्स को बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है तो क्रेडिट भी देगा लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट वाला फंक्शन में भी ये चीज देखा है कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है क्रेडिट देता है सेंट्रल एजेंसी प्रिपेयरिंग एनुअल बजट नहीं सर ये इसका फंक्शन नहीं है ये इसका फंक्शन ये इसका फंक्शन नहीं है एंड हमें देखना था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आर तो सर यही हमारा करेक्ट आंसर होगा एनुअल बजट बनाने का काम केंद्रीय सरकार का होता है यूनियन गवर्नमेंट का होता है आरबीआई का नहीं होता इफ सेंट्रल बैंक वॉन्ट्स टू रिड्यूस मनी सप्लाई मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है इट मे डैश द बैंक रेट इंक्रीज बैंक रेट रिड्यूस द बैंक रेट इंक्रीज होएगा ना अगर बैंक रेट इंक्रीज होगा तो सर जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट होगा मार्केट के अंदर वो भी इंक्रीज हो जाएगा जो नॉर्मल क्योंकि कमर्शियल बैंक्स वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट को भी इंक्रीज कर देंगे जिसकी वजह से लोन फैसिलिटीज कम हो जाएंगी एंड मनी सप्लाई भी कम हो जाएगा तो ये तो सही है वन वाला सही है उसके बाद कैश रिजर्व रेशियो रिड्यूस होने से ये नहीं होता तुम खुद देख लेना जितना कैश रिजर्व रेशो कम होगा उतना मनी सप्लाई ज्यादा हो जाता है अगर वो मार्केट के अंदर सिक्योरिटी सेल करेगा ओपन मार्केट के अंदर अगर हमारा सेंट्रल बैंक सिक्योरिटी सेल करेगा तो वो जनरल पब्लिक से पैसा ले लेगा जनरल पब्लिक से पैसा ले लेगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा बस यही आंसर है बाइंग के केस में ये नहीं होगा वन और थ्री ये रहा भाई हमारा करेक्ट आंसर इन दोनों केसेस के अंदर मनी सप्लाई रिड्यूस हो रहा है बैंक रेट इंक्रीज होने पर और सेलिंग सिक्योरिटीज इन दी ओपन मार्केट के केस में अगला क्वेश्चन एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई की एक कमेटी है इसने क्या करा रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया अब ये 50 बेसिस पॉइंट इनको छोड़ दो बस रेपो रेट इंक्रीज हुआ है ठीक है वेयर एज रिवर्स रेपो रेट वॉज लेफ्ट अनचेंज्ड एंड रिवर्स रेपो रेट सेम रहा सर क्या हुआ जो रेपो रेट था वो तो इंक्रीज हो गया इस क्वेश्चन में क्या बताना चाह रहा है ये कि रेपो रेट या जिसको रीपरचेज रेट भी बोलते हैं वो तो हो गया इंक्रीज और जो रिवर्स रेपो रेट था वो रहा अनचेंज्ड मतलब उसमें कोई फर्क नहीं आया जैसा था पिछले साल इस साल भी वैसा ही है इडेंटिफाई द नेचर ऑफ टू मॉनिटरी पॉलिसीज अरे ये लो इन दोनों का नेचर बताना है हमें कि इन दोनों का नेचर कैसा होता है मतलब इन दोनों का नाम बताना है ठीक है इनकी डेफिनेशन बतानी है कि रेपो रेट क्या होता है रिवर्स रेपो रेट क्या होता है क्योंकि इनका नेचर पूछा है ना तो बस इन दोनों रेट्स के बारे में पूछा है कि भाई यार रेपो रेट क्या होता है जिस रेट पर सेंट्रल बैंक लोन देती है कमर्शियल बैंक को रिवर्स रेपो रेट क्या होता है रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर कमर्शियल बैंक अपना पैसा सेंट्रल बैंक के पास रख सकती है तो बस उन दोनों के बारे में बताना है एक मार्क्स का वो चीज है इलेबोरेट द लाइकली रैशनेल बिहाइंड द इंक्रीज इन रेपो रेट ये लो अब ये रेपो रेट इंक्रीज होने की वजह से क्या चेन इफेक्ट होते हैं वो चेन इफेक्ट वो फ्लो चार्ट बनाया ना नीचे उस फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन कर देना पूरे चार नंबर मिल जाएंगे घबराने की बात ही नहीं है आर बी आई द रि द रिसव बैंक ऑफ इंडिया डैश गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन अड टू डैश द स्टॉक ऑफ ठीक है सर सेल्स वाला केस आएगा बिकॉज अगर वो सेल या परचेज करता है ना तो नो चेंज तो कभी भी नहीं आता नो no चेंज तो कभी नहीं आएगा या तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगा या कम हो जाएगा तो ये वाला तो उड़ गया भाई अब सेल वाला केस देखते हैं मैंने सेल वाला केस पढ़ता हूं तो मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर रहा हूं आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर रहा है तो जब वो सेल करेगा तो वो जर्नल पब्लिक से पैसा उठा लेगा सर सेल करने पे जब वो जर्नल पब्लिक से पैसा उठाएगा तो मनी सप्लाई हो जाएगा कम तो यही अपना करेक्ट आंसर होगा सर आपने परचेज क्यों नहीं लिखा तो भाई जब परचेज करता है परचेज करने के केस में वो जर्नल पब्लिक को पैसा देता है जनरल पब्लिक को पैसा देगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगा ना कि मनी सप्लाई कम होगा इसीलिए ऑप्शन नंबर ये अपना सही आंसर है डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है डिमांड डिपॉजिट्स आर सेविंग्स अकाउंट कौन से हैं भाई एंड फिक्स डिपॉजिट्स ये क्या है डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड करेंसी अदर डिपॉजिट विद द गवर्नमेंट सेविंग अकाउंट डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट करेंट अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट इसमें चारों ही ऑप्शन गलत है चारों ही ऑप्शन गलत है कुछ गड़बड़ होगी पेपर में जिन्होंने बच्चों ने सी और डी टिक करा होगा ना उन दोनों को आंसर में मार्क्स मिल गए होंगे क्योंकि हमें पता है डिमांड डिपॉजिट्स के अंदर दो ही आते हैं एक अपना सेविंग्स अकाउंट आता है एंड करंट अकाउंट आता है सर तो सेविंग्स और करंट किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा फिक्स डिपॉजिट तो आ ही नहीं सकता ना एफ वाला जो अकाउंट होता है वो तो टाइम डिपॉजिट में आता है पॉइंट एंड ये भी नहीं होता कोई भी सही आंसर नहीं है कोई भी इसका सही आंसर नहीं है क्वेश्चन ही गलत है ऐसे सब बच्चों को एक एक मार्क्स मिल जाता है पेपर में ये अच्छा क्वेश्चन है इसके बारे में मैं अभी क्लास में बात भी कर रहा था कि ये देखो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई ई लॉन्च करा था हमारी भारत सरकार ने 2022 में में इसके बारे में जो भी चीजें हैं सब देख लो ई e रूपी ना एक तरीके की इलेक्ट्रॉनिक मनी थी तो ये मनी वाले टॉपिक से रिलेटेड है मनी वाला टॉपिक एक बार ही खोल के देख लो मनी वाले टॉपिक से रिलेटेड है सर इसमें का है आइडेंटिफाई एंड डिस्कस दें फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इंडिकेटेड इन दी अब टेक्स्ट मैंने पढ़ा ही नहीं है क्या है देख लेते हैं चलो द ई रुपी विल प्रोवाइड एन एडिशनल ऑप्शन टू द करेंसी अवेलेबल इन द फॉर्म्स ऑफ मनी इट इज सब्सटांशियल नॉट डिफरेंट फ्रॉम बैंक नोट्स बट बींग ठीक है आर बी आई सेट द्रॉडली डिफाइनज एज द लीगल टेंडर इशूड बाई देंट्रल बैंक टू पेपर करेंसी अच्छा ठीक है सबसे पहले आइडेंटिफाई करने का टोटल तीन मार्क्स का ये है आइडेंटिफाई करो कौन सा फंक्शन है तो आइडेंटिफाई तुमको बता देता हूं ये कौन सा फंक्शन है करेंसी अथॉरिटी वाला फंक्शन है क्योंकि तो यहां पर एक करेंसी इशू कर हमारी आरबीआई ने करेंसी अथॉरिटी वाला फंक्शन है फिर उससे रिलेटेड इस करेंसी अथॉरिटी से रिलेटेड दो पॉइंट्स लिख देना तो पूरे तीन मार्क्स तुमको मिल जाएंगे आइडेंटिफाई करने का एक मार्क्स उससे रिलेटेड दो पॉइंट्स लिख देना करेंसी अथॉरिटी हम फंक्शन हमने पूरा पढ़ा है उससे रिलेटेड दो पॉइंट्स लिख देना अब ये कहाँ मिलेगा सर फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक वाले में तुमको ये पूरा मिल जाएगा दो क्या तीन पॉइंट भी लिख दोगे तो बस वो दो पॉइंट वहां से लिख देना पूरे मार्क्स आ जाएंगे उसके बाद दो एडवांटेजेस बताने हैं डिजिटल रूपी के तो वही पैराग्राफ में मिल जाएंगे पहला एडवांटेज ई रूपी विल प्रोवाइड एन एडिशनल ऑप्शन टू दी करेंसी अवेलेबल इन दी फॉर्म्स ऑफ मनी ये इसका पहला एडवांटेज इट इज सबस्टांशली नॉट डिजिटल, इट इज लाइकली टू बी इजियर फास्टर एंड चीपर दो इसके एडवांटेजेस यही पैराग्राफ से मिल गए जब कोई ऐसी चीज मिल जाए ना जो हमने पढ़ी नहीं हुई और पैराग्राफ से हो तो एक बार पैराग्राफ पढ़ के देख लेना वहीं से ही आंसर मिल जाएगा इसके जो दो एडवांटेज थे वो यहीं पर ही मिल गए आगे चलो अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ दौ हजार 2023 खत्म हुआ है कितना टाइम हो गया ओ भाई 2023 खत्म हुआ है फटाफट खत्म कर दूंगा चलो चलो अब 2023 वाले में सेकंड जो अपना ये क्वेश्चन है स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू प्रोवाइडेड है मनी सप्लाई एम वन मेजर एम वन मेजर की बात कर रहा है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था एम वन मेजर हमारे कोर्स में है एम टू एम थ्री एम फोर हमारे कोर्स में नहीं है इन इंडिया डज नॉट इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स सर एम वन मेजर में करेंसी डिमांड डिपॉजिट्स और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई आता है तो डज नॉट इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट गलत बात है रेफर टू एसेट्स अवेलेबल विदर्शियल बैंक ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम यह बिल्कुल सही बात है एम वन क्या होता है कि नहीं ये स्टेटमेंट भी गलत है एम वन सप्लाई रेफर टू एसेट्स अवेलेबल विद कमर्शियल बैंक ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम सर जो कमर्शियल बैंक्स के पास होते हैं ना वो तो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं उसके अलावा करेंसी भी तो आती है ना हमारे मनी सप्लाई एम वन मेजर में तो दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं दोनों ही स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग बोथ दी स्टेटमेंट्स आर फॉल्स क्योंकि एम वन के अंदर करेंसी डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद डार भी आ जाता है तो दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत दे रखी है भाई इधर खत्म ये सारे क्वेश्चन थे ये सारे क्वेश्चन दो हजार तेईस के थे 2023 के खत्म हो गया 2024 के भी देखा ही देता हूँ भाई फटाफट से 2024 के भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ भाई बड़ा लेक्चर इसलिए ही होता जा रहा है प्लीज इसलिए कर रहा हूं कि तुमको सारी चीजें दिख जाए तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लो कुछ भी करने की जरूरत ना पड़े इसके बाद ना तुम कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कर लेना सारे हो जाएंगे तुम्हारे से मनी एंड बैंकिंग के एंड सारे वन शॉट ऐसे ही लेके आऊंगा भले ही जितनी मर्जी देर के जाए बट सारे ऐसे ही आएंगे कि भाई पूरा कराना है यू नहीं है कि आधा अधूरा कुछ छुड़वा दिया कुछ करवा दिया ऐसे वाला हिसाब नहीं रहने वाला मेरे साथ पूरा ही कराने वाला हूं इकोनॉमिक टाइम्स का 2023 का कोई रिपोर्ट है इसमें है रिजर्व बैंक यूनैनसली डिसाइडेड टू कीप बेंचमार्क रेट अनचेंज्ड बेंचमार्क रेट कौन सा होता है रेपो रेट रेपो रेट या बैंक रेट बोल लो वो रहा द कमेटी वोटेड टू रिमेन फोकस्ड ऑन द विड्रॉल ऑफ अकोमोडेटिंग पता नहीं क्या बोला छोड़ दिया मैंने आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द इकोनॉमिक इशू इंडिकेटेड इन दी दब टेक्स्ट कौन से इकोनॉमिक इशू की यहां पर बात कर रहे हैं तो आइडेंटिफाई मैंने कर लिया सर रेपो रेट के बारे में ये बात कर रहे हैं ठीक है एक मार्क्स मिल जाएगा आइडेंटिफाई करने का एक मार्क्स मिल जाएगा रेपो रेट की डेफिनेशन लिखने का कि रेपो रेट क्या होता है उसका दूसरा नाम रीपरचेज रेट होता है इसमें दूसरा मार्क्स मिल जाएगा डिस्कस द लाइकली कॉन्सिक्वेंस अब भाई रेपो रेट से हमारा मनी सप्लाई कैसे इफेक्ट होता है इसके कॉन्सिक्वेंसेज कैसे होते हैं मनी सप्लाई के ऊपर तो वो पूरा फ्लो चार्ट अलॉन्ग विद दी पॉइंटर्स लिखोगे तो पूरे मार्क्स आएंगे जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेंट्रल बैंक इज दोल करेंसी अथॉरिटी मनी सर्व एज अफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट बिल्कुल सही यह स्टेटमेंट है ट्रू दिस स्टेटमेंट इज ट्रू मनी सर्व एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एक मार्क्स तो मिलेगा ट्रू या फॉल्स लिखने का तो एक मार्क्स मिल गया फिर आगे एक रीजन लिख देना कि क्यों वो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट की तरह इस्तेमाल होती है बिकॉज मनी से हम फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं सेंट्रल बैंक इज द सोल करेंसी अथॉरिटी सोल करेंसी इशूइंग अथॉरिटी ऑफ एन इकोनोमी ठीक है सोल करेंसी इशूइंग अथॉरिटी तो ये हो जाएगा फॉल्स क्यों फॉल्स होगा पता है ना क्योंकि जो सर एक रुपए का सिक्का और नोट होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है उसको सेंट्रल बैंक इशू नहीं करता वही चीज जो मैंने बोली है वो रीजन यहां पर लिख देना तभी पता लगेगा तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे दो नंबर पूरे ये भी देख लो भैया शाबा शेरों इसको थोड़ा छोटा कर दो ये हमने पढ़ा हुआ है डिपॉजिट्स लोन्स और रिवर्स रिजर्व सर ये वापस पैसा इधर आ जाता है जितना लोन की फॉर्म में जाता है उतना ही पैसा वापस डिपॉजिट्स में आ जाता है पांच हजार में से सर पांच हजार में से चार हजार लोन दिया तो कितना बच गया रिजर्व की फॉर्म में उनके पास सर एक हजार रुपए का रिजर्व बच गया कमर्शियल बैंक के पास अब ये वापस पैसा दोबारा से आ जाता है रिजर्व बैंक में सेकेंड साइकिल में इसका कितना परसेंट एट्टी परसेंट इसको अपने पास रखना है चार हजार का एट्टी परसेंट होता है थर्टी टू हंड्रेड इसको अपने पास रखना है आठ सौ रुपए ओ सॉरी थर्टी टू हंड्रेड का लोन दे देना है एंड आठ सौ रुपए रिजर्व की फॉर्म में रखना है ठीक है भाई हजार हजार और थर्टी टू हंड्रेड यही आंसर आ गया आगे जाने की जरूरत ही नहीं है आगे जाएगा जो बेवकूफ होगा ठीक है बे, बेवकूफ नहीं भाई कोई बेवकूफ नहीं बस ये है कि देखो मैंने फर्स्ट और सेकेंड वाला देखा हजार और थर्टी टू हंड्रेड आ रहा है हजार और थर्टी टू हंड्रेड मुझे इसी में मिल गया और किसी में है ही नहीं तो बस सी वाला मेरा करेक्ट आंसर है सी वाला करेक्ट ऑप्शन है अगला इनकरेक्ट फीचर ऑफ मनी सप्लाई फ्रॉम द फॉलोइंग मनी सप्लाई का कौन सा इनकरेक्ट फीचर है मनी सप्लाई सप्लाई मैंने तुमको सबसे पहले बताया था इट इज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बिल्कुल सही है उसकी डेफिनेशन देखोगे ना मनी सप्लाई की तो यही लिखी है इट इज द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है इट डज नॉट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ये भी बिल्कुल सही है जो गवर्नमेंट के पास पैसा होता है वो मनी सप्लाई के अंडर नहीं आता सिर्फ जनरल पब्लिक का पैसा आता है तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही वाली है इट इज ऑलवेज द करेंसी इन दी हैंड ऑफ सेंट्रल बैंक बिल्कुल सही सर जो करेंसी जनरल पब्लिक के हाथ में होती है वो मनी सप्लाई के अंदर आती है तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है एन डी हमारा सही उत्तर होगा सर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा अगला भाई दो तो स्टेटमेंट्स हैं मनी इज अ कमोडिटी विच इज जर्नली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंट्स ऑफ वन जर्नली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिल्कुल सही सर मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज अ फंक्शन इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी बिल्कुल सही है सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंट्स ये भी बिल्कुल सही है लिमिटेशन ऑफ बार्टार सिस्टम के अंदर बताया था कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ जो था बार्टार सिस्टम के अंदर उसको इसने एलिमिनेट करा था किसने मनी ने बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ऑप्शन सी हमारा सही होगा आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैश रिजर्व रेशियो कैश रिजर्व रेशियो दे रहा इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन दी कमर्शियल बैंक ये इसका सही आंसर है और दूसरी स्टेटमेंट मैंने देखी ही नहीं तुम देख भी लेना वो सारी करेक्ट ही होंगी ये जो सी आर आर या फिर एस एल आर या फिर एल आर आर होता है ये सेंट्रल बैंक कंपल्सरीली उन पर बोलती है कि कमर्शियल बैंक तुमको ये रिजर्व बचा के रखना है अपने पास तो इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन दी कमर्शियल बैंक इज द रॉन्ग स्टेटमेंट इट इज बाइंडिंग ऑन दी कमर्शियल बैंक मतलब कंपल्सरी होता है ये कमर्शियल बैंक्स के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडरटेक्स द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजिंग द गवर्नमेंट बैंक ट्रांजेक्शन भाई सर मैं नहीं कराऊंगा मैं बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा इधर लिखा है इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजिंग दी गवर्नमेंट बैंक ट्रांजेक्शन मतलब ये कौन से उसकी बात कर रहा है कौन से फंक्शन की बात कर रहा है तो सर ये बात कर रहा है गवर्नमेंट्स गवर्नमेंट्स बैंकर एडवाइजर एंड एजेंट ये फंक्शन पढ़ा था ना हमने दिस वॉज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक एंड उसी फंक्शन के बारे में बात कर रहा है तो पहले इस फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के एक मार्क्स मिलेंगे फिर इस फंक्शन के तीनों पॉइंट्स लिखने के कि उसकी बैंकिंग फैसिलिटीज कैसे देता है उसको एडवाइजर वाला फंक्शन उसका एजेंट वाला फंक्शन ये सब लिखने के तुमको पूरे चार नंबर मिल जाएंगे तो बैंकर्स बैंक एडवाइजर एंड एजेंट वाला जो फंक्शन था वो यहां पर अपने को लिखना है आगे रिवर्स रेशियो रिजर्व रेशियो एंड क्रेडिट क्रिएशन आर इनवर्सरी रिलेटेड ये सही है या गलत है बिल्कुल सही है सर एल जितना ज्यादा होगा ना उतना कम लोन हम दे पाएंगे जितना ज्यादा लीगल रिजर्व हमें बना के रखना पड़ेगा उतना कम लोन फैसिलिटीज हम मतलब कमर्शियल बैंक दे पाएंगे तो बिल्कुल सही सर इनवर्सली रिलेटेड है ये ज्यादा हो रहा है ये कम हो रहा है तो दे आर इनवर्सली रिलेटेड स्टेटमेंट वन बिल्कुल सही है सेंट्रल बैंक ऑफ एन इकोनॉमी परफॉर्म्स द वाइटल फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग द क्रेडिट क्रिएशन बिल्कुल सही सर ये तो था ही ना कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई ये सेंट्रल बैंक का ही तो फंक्शन है तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है बोथ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट ठीक है भाई ये देख लो ये तुम खुद बनाना ये अभी मैंने करा है एक क्वेश्चन तुम खुद भी करना वही सेम वैसा ही उसी तरीके का क्वेश्चन है ये रहा इधर तो यही अट्ठारह सो आ जाएगा अठारह सो किसमें है इन दोनों में है मतलब बी और डी में से कोई सही आंसर होगा फाइनल तुम बताना मुझे ठीक है कमेंट सेक्शन में बताना क्या सही होगा ओपन मार्केट ऑपरेशंस अब देखो सर दोबारा से सेम क्वेश्चन ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में सब बता देना जितना भी पता है ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है कैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन में बाइंग करने से और सेलिंग करने से मनी सप्लाई इफेक्ट होता है चार पॉइंट्स लिख देना चार नंबर मिल जाएंगे बस ढंग से लिखना वो एक अगर तुम फ्लो चार्ट बना के आ जाओगे तो टीचर तुम्हारे नंबर काटेगा ही नहीं क्योंकि तो उसको पता लग जाएगा फ्लो चार्ट अगर तुम बना के आए हो मतलब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ठीक है अब तुम लिखने में ग्रामेटिकल एरर या कुछ कर भी दो तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम ढंग से प्रेजेंट करके फ्लो चार्ट बना के आए हो तो ये दोबारा से वही आ गया गवर्नमेंट बैंक एंड एडवाइजर वाला फंक्शन ये सर अपने को आता ही है अभी हमने कराया गवर्नमेंट बैंक एडवाइजर वाला फंक्शन दोबारा से इस क्वेश्चन में भी पूछ लिया गया सेंट्रल बैंक कैन रिड्यूस मनी सप्लाई मनी सप्लाई कम करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा हम चारों ऑप्शंस देखेंगे बैंक रेट वाला देखेंगे क्योंकि दोनों में बैंक रेट है ना तो बैंक रेट इंक्रीज करने से क्या होता है सर बैंक रेट जब इंक्रीज होता है ना तो जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा मतलब सर लोन लोग कम लेंगे इकोनॉमी के अंदर लोन की रिक्वायरमेंट लोन का जो डिमांड है वो इकोनॉमी में कम हो जाएगा एंड सर मनी सप्लाई भी कम हो जाएगा तो मनी सप्लाई कम करना था तो हमने बैंक रेट को क्या करा इंक्रीज कर दिया नहीं समझ आया सर क्या करा दिया ये क्या लिख दिया तो मेरे भाइयों बहनों दो घंटे बीस मिनट में से जो लास्ट का मेरा आधा पौना घंटा है उसमें सभी यही कराया कि मनी सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज कैसे होता है ये सारे फंक्शंस के बारे में पढ़ाया है मैंने ये देखो इस क्वेश्चन के बारे में भी बात कर रहा था ना मैं टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है फंक्शन ऑफ मनी में से Sir, ये मिस मिस्टर सहोत्रा बोरोड फंड फ्रॉम बैंक फॉर अ न्यू हाउस अब इसने बंड फंड जो है वो बोरो करा है इसका मतलब ये इसकी रीपेमेंट करेगा ना बाद में रीपेमेंट करेगा इन फ्यूचर मतलब फ्यूचर में पेमेंट देगा फ्यूचर में पेमेंट देगा तो विच फंक्शन ऑफ मनी इज हाईलाइटेड हेयर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स वाला फंक्शन यहां पर हाईलाइट हुआ है खत्म हो जा छू मंतर काली कलंतर खत्म ही नहीं हो रहा इनिशियल डिपॉजिट्स चार हजार करोड़ रिजर्व रेशियो दस हजार और हमें टोटल टोटल क्रिएशन बताना है लिख देते हैं भाई टोटल डिपॉजिट या टोटल मनी क्रिएशन बोल लो या टोटल डिपॉजिट क्रिएशन बोल लो एक ही बात है तो उसका फॉर्मूला होता है अपॉन मल्टीप्लाई बाई इनिशियल डिपॉजिट वन अपॉन एल आर आर की वैल्यू निकालता हूं वो है टेन परसेंट तो सर परसेंट को जब कन्वर्ट करते हैं तो हंड्रेड से डिवाइड कर देते हैं ये हो जाएगा हंड्रेड डिवाइडेड बाय टेन जीरो से जीरो कटा टेन टाइम्स तो मतलब हमें क्या करना है टेन मल्टीप्लाई बाई इनिशियल डिपोजिट्स तो ये हो जाएगा चालीस हजार करोड़ चालीस हजार करोड़ इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है सर लास्ट क्वेश्चन ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में बोला है ओपन मार्केट ऑपरेशन तुम्हें पूरा बता दिया है पूरा चार नंबर का ओपन मार्केट ऑपरेशन का क्वेश्चन है इसको खत्म कर देना बात खत्म हो जाएगी पैसा हजम हो जाएगा सब चीजें अपनी क्लियर हो जाएंगी खत्म भाई खत्म खत्म और नहीं सारे क्वेश्चन दिखा दिए सब हमारा करा कराया जितना भी तुमको दो घंटे में पढ़ाया सारे सी बी एस सी के क्वेश्चन वहीं से पूछे गए हैं अब समरी ये है इस चैप्टर की कि 2021 से लेके 2024 का जब मैंने पेपर एनालाइज करा तो सिक्स मार्क्स और कुछ कुछ पेपर में टेन मार्क्स कुछ कुछ पेपर मुझे ऐसे भी मिले जहां पर चार चार नंबर के एक फोर मार्कर एक फोर मार्कर और दो एमसीक्यूज इस क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं एंड कुछ में मिला जिसमें एक फोर मार्कर और दो एम सी क्यूज पूछे जाते हैं ठीक है चारों सालों में मैंने यही एनालाइज करा रेशियो क्या था ज्यादातर यही पूछा जाता है छह मार्क्स से आता है इस चैप्टर के अंदर मनी एंड बैंकिंग से मनी एंड बैंकिंग से छ मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाता है एक चार मार्क्स का और एक दो मार्क्स का तुमने खुद भी एनालाइज कर लिया होगा मैंने भी एनालाइज कर लिया था और कभी कभी एक चार मार्क्स का एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आता है इस चैप्टर से तो इसको हल्के में मत लेना मान के चलो अगर दस नंबर का ये पेपर में आ गया तो ये दो ढाई घंटे की क्लास तुम्हारे को बहुत हेल्प कर जाएगी इस दो ढाई घंटे की क्लास के बाहर कुछ नहीं आने वाला कुछ भी नहीं आएगा कुछ भी नहीं आएगा बस कंसेप्ट क्लैरिटी होगी तो जितना मर्जी कॉम्पिटेंसी बेस्ड वो क्वेश्चन बना दे सारे अपन कर लेंगे ठीक है थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन अगर तुमने एंड तक ये क्लास देखी है एक बार ही देख लोगे, कुछ कंसेप्ट में दिक्कत आई सर कुछ जल्दबाजी में हो गया नहीं समझ आया एक बार ही दोबारा देख लेना टू वैक्स पे पूरा क्लियर हो जाएगा लास्ट वाले में सिर्फ तुम्हारे को क्वेश्चन 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 कराए हैं भाई क्वेश्चन की भी कोई कमी नहीं और पूरे कंसेप्ट तुम्हारे को शुरू में करवाए हैं ठीक है थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच और भी वन शॉट वीडियोस लेके आता रहूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के तुम्हारे लिए अब बस यही मेरा कहना था एंड प्लीज रिवाइज करते रहना वन शॉट से भी कर लोगे तो तुम्हारे बोर्ड्स एग्जाम के लिए मोर देन सफिशेंट तैयारी हो जाएगी बाय बाय गाइस